لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. कैसे हैं सारे अहले कुरान? नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली रब्बी ज़िदना इल्मा اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا معلم ابراهيم علمني يا مفاهم سليمان فاهمني ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير امين يا رب العالمين. अल्लाह के करम से उसकी तौफीक से आज हम पारा नंबर 26 का आगाज करेंगे जिसका नाम है हामीम। रोज में पारों के नामों पे गौर व फिक्र कर रही थी, रोज एक पारे का नाम था और उसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। आज अल्लाह ताला ने कहा कि तुम जितना मर्जी इल्म हासिल कर लो, तुम उस इल्म तक पहुंच ही नहीं सकती जो मेरा इल्म है, जो इंसान को एक सेकंड में अपनी औकात बता देता है कि तमाम सुप्रीम पावर्स किसकी है, सिर्फ अल्लाह सुबहान तला की। हम जितनी मर्जी कोशिश कर ले, हम इल्म का सिर्फ उतना हिस्सा पा सकते हैं जितना मेरा रब मुझे अता करे। ऊपर मार्फत के दरवाजे खुल गए हैं ना, आपको हक को बातिल नजर आना शुरू हुआ है, वो इल्म है जो अल्लाह की अता है। लेकिन कामिल इल्म किसके पास है? मेरे रब के पास है। तो इस पारे के नाम से अल्लाह ने हमें बेबस कर दिया। कौन हो तुम? नथिंग। मिट्टी से आई हो, मिट्टी में चली जाओगी। तुम्हारा इल्म कितना है? सिर्फ उतना जितना मैंने तुम्हें दिया है। तुम्हारे पास कुछ नहीं है। और अगर एक सेकंड भी लगता है कि हम खुदा की नाफरमानी करें, ये इल्म एक सेकंड में हमें भूल जाता है। आप सब ने एक्सपीरियंस किया होगा, कोई भी सूरत हमें बड़ी जबरदस्त याद होती है, हम उसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं, हम कहते हैं हम कॉन्फिडेंट होते हैं हमें याद है, लेकिन जब कई दफा हम पढ़ने लगते हैं एक सेकंड में भी जस्ट ब्लिंक में हमारे दिमाग से चली जाती है। और वो फिर वही बात है कि हमें क्या रखना है, आजिज रहना है। हमें किसी किस्म का तकब्बुर नहीं आना चाहिए, क्योंकि हकीकी इल्म किसके पास है? अल्लाह सुबहान तआला के पास। पारा नंबर 26 का आगाज सूरह अहकाफ से होता है। बहुत ही खूबसूरत सूरत है। आइए अल्लाह के नाम से औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत वाला है। हामीम। तंज़ीलुल किताब मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। हामीम हरूफ मुक़त्तआत है। ये वो हरूफ हैं जिनको अलहदा अलहदा करके पढ़ा जाता है। मुक़त्तआत में कता का लफ्ज़ है। कता होता है तोड़ तोड़ के पढ़ना। बहुत से लफ्ज़ अगर जॉइन करके लिखे जाते हैं तो हम मोस्टली हम उनको मर्ज करके पढ़ते हैं, लेकिन ये हरूफ मुक़त्तआत हैं, इनको अलहदा अलहदा पढ़ा जाता है। और इनका क्या मतलब है ये किसको पता है? अल्लाह सुबहान व तआला को। किताब का नाज़िल फरमाना अल्लाह की तरफ से है जो इज्जत वाला हिकमत वाला है। ये मुशरिकीन मक्का को बताया जा रहा है कि ये किताब जो है ये अल्लाह की तरफ से नाजिल की गई है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद घर के नहीं लाए। जो हमने आसमान और जमीन और जो कुछ इनके दरमियान है सब हक के साथ ही और एक मुकर्ररा मुद्दत तक के लिए बनाया, और काफिर इस चीज से मुंह फेरे हैं जिनसे इन्हें डराया गया है। अल्लाह ताला ने बार बार हमें कहा है कि आसमान और जमीन और जो कुछ इसके दरमियान है मैंने बनाया। अल्लाह ताला हर चीज में कह रहा है, सुप्रीम पावर कौन हूँ मैं? तुम्हें जो भी मिल रहा है वो है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तो जब हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हमारे अंदर क्या किसी किस्म का गुरूर तकब्बुर होना चाहिए?
तुम फरमाओ भला बताओ तो कि अल्लाह के सिवा जिसकी तुम इबादत करते हो मुझे दिखाओ कि उन्होंने जमीन का कौन सा जर्रा बनाया है या आसमानों में इसका कौन सा हिस्सा है, मेरे पास इससे पहले की कोई किताब या कुछ बच्चा कुचा इल्म ही ले आओ अगर तुम सच्चे हो। और इससे बढ़कर गुमराह कौन है जो अल्लाह के बजाय इन बुतों की इबादत करे, जो कयामत तक इसकी ना सुनेंगे और वो इसकी पूजा से बेखबर हैं, और जब लोगों का हशर होगा तो वो बुत इसके दुश्मन होंगे और इनकी इबादत से मुनकिर हो जाएंगे। आज हम गैर अल्लाह के सहारे तलाश कर रहे हैं डिफरेंट फॉर्म्स में। सोशल मीडिया पे इतनी वीडियोस आ रही हैं, हमने अजीबोगरीब किस्म की इबादत के तरीके बना लिए हैं, अजीबोगरीब किस्म के पीर और लोग बिठा लिए हैं जो अजीब बातें बता रहे हैं, जिन और इबादत ऐसी बता रहे हैं जिनका दीन से और इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। अभी तक हमने अल्हम्दुलिल्लाह 25 पारे पढ़ लिए, आपने कोई अनयूजुअल वे ऑफ इबादत देखा है कुरान में? नमाज, जकात, रोजा, हज, बस। इसके अलावा जो झूम झूम के महफिलें लगाई जा रही हैं, जो अजीब हरकतें की जा रही हैं, जो पता नहीं क्या क्या दिन के नाम पे हो रहा है, वो सब क्या है? गलत है। तो कयामत के दिन वही लोग पता है क्या कहेंगे, हमने थोड़ी कहा था हमारी इबादत करो, तुम हमारे पीछे आ रहे थे। और जो जहन्नुम जगह है वो कैसी जगह है? क्या वो पीसफुल जगह है या वो शोर वाली जगह है? वो झगड़े वाली जगह है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे का गिरेबान पकड़ के कह रहे होंगे कि तुमने मुझे कहा था गलत काम लेके जाओ, तुमने मुझे दिखाया, और दूसरा कह रहा था आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट यू डिड, तुमने खुद अपनी मर्जी से ये किया था। और जब इनके सामने हमारी रोशन आयतें पढ़ी जाती हैं तो काफिर अपने पास आए हुए हक के बारे में कहते हैं ये खुला जादू है, यानी हक नजर आ भी जाता है तब भी नहीं मानते। जो काफिर थे वो क्यों नहीं एक्सेप्ट करते थे? क्योंकि वो तकब्बुर में और हसद और तासुब में फंसे हुए थे। और जब इनके सामने हमारी रोशन आयतें पढ़ी जाती हैं तो काफिर अपने पास आए हुए हक के बारे में कहते हैं ये खुला जादू है, बल्कि वो ये कहते हैं कि इस नबी ने खुद ही कुरान बना लिया, तुम फरमाओ अगर मैंने उसे खुद ही बनाया होगा तो तुम अल्लाह के सामने मेरे लिए किसी चीज के मालिक नहीं हो, वो खूब जानता है जिन बातों में तुम मशगूल हो, और मेरे और तुम्हारे दरमियान वो काफी गवाह है और वो ही बख्शने वाला मेहरबान है। तुम फरमाओ मैं कोई अनोखा रसूल नहीं हूँ, मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या किया जाएगा और तुम्हारे साथ क्या होगा, मैं तो इसी का ताबे हूँ जो मुझे वही होती है, और मैं तो सिर्फ साफ डर सुनाने वाला हूँ। मुनकरीन रिसालत को नसीहत की गई है और इल्मे जाती की नफी की है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम फरमाओ भला देखो अगर वो कुरान अल्लाह के पास से हो और तुम इसका इनकार करो और बनी इसराइल का एक गवाह इस पर गवाही दे चुका हो तो वह ईमान लाया और तुमने तकब्बुर किया, बेशक अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं देता। और काफिरों ने मुसलमानों के मुतल्लिक कहा अगर इस इस्लाम में कुछ भलाई हो तो ये मुसलमान इसकी तरफ हमसे सबकत ना ले जाते, और जब इन कहने वालों को इस कुरान से हिदायत ना मिली तो अब कहेंगे कि ये एक पुराना घड़ा हुआ झूठ है। और इससे पहले मूसा की किताब पेशवा और रहमती और ये कुरान अरबी जबान में होते हुए तस्दीक करने वाली एक किताब है ताकि जालिमों को डराए और नेकों के लिए बिशारत है। किसको डरा रही है? जो गुनाह कर रहा है उसको बार बार रिमाइंड करा रही है कि अपने आप को करेक्ट कर लो, अपना तस्किया कर लो, वरना जहन्नुम में चले जाओगे। और जो कोशिश कर रहा है अल्लाह के रास्ते में लगा हुआ है उसको खुशखबरी मिलती है ना। अगर आप कोई किसी चीज में भी कोशिश कर रहे हो, कोई आया ताती दिल में तसल्ली होती है, हाँ मैं कोशिश कर रही हूँ, अल्लाह ताला कह रहा है कोशिश करने वालों की हार नहीं होगी, जन्नत में जाऊंगी, तो एकदम लगता है ठंडे पानी आपके ऊपर किसी ने डाल दिया, दिल को सकीनत दे दी है। तो खुशखबरी किसके लिए? जो अमल करने की कोशिश कर रहे हैं, बेशक जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है फिर साबित कदम रहे। सिर्फ एक दफा कह देना जरूरी नहीं होता, सिर्फ एक दफा दोरे कुरान ले लेना जरूरी नहीं होता, सिर्फ एक दफा इस किताब को खोलना जरूरी नहीं होता। कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह और फिर कह रहे साबित कदम रहे, किसी लम्हे ना भूले कि मेरा रब अल्लाह है और मुझे उसका जवाब देना है, तो ना इन पर खौफ है और ना वो गमगीन होंगे, वो जन्नत वाले हैं हमेशा इसमें रहेंगे, इन्हें इनके अमाल का बदला दिया जाएगा। और हमने आदमी को हुक्म दिया कि अपने माँ बाप के साथ भलाई करे, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना है, ये हुक्म हमें किसने दिया है? तो हमने अपने पेरेंट्स के साथ कैसा सलूक करना है? अच्छा करना है, हमने उनके साथ भलाई करनी है। और हमने आदमी को हुक्म दिया कि अपने माँ बाप से भलाई करे, इसकी माँ ने इसे पेट में मुशक्कत से रखा और मुशक्कत से इसको जना।
औरत एक डेथ एक्सपीरियंस से गुजरती है जब एक बच्चा पैदा होता है, और फिर जैसे ही वो पैदा होता है, अगर सोचें अगर कोई चीज हो और आपको वो इतनी तकलीफ दे कि 9 मंथ्स तक आपका खून भी कम हो रहा है, आपका खाने का दिल नहीं कर रहा, उल्टियां आपको लगी हुई, चिड़चिड़ापन आपके अंदर है, आपसे ना उठा जा रहा है, ना बैठा जा रहा है, ना सोया जा रहा है, ना जागा जा रहा है, आप क्या कहेंगे? जल्दी से जान छुटे इससे। और जैसे ही इस चीज से जान छुटेगी आप क्या कहेंगे? उठाकर फेंको, परे मारो। लेकिन क्या माँ ऐसे करती है? वो मर के दोबारा जिंदा होती है, जैसे ही बच्चा उसके हाथ में आता है उसको चूमती है, और सबसे पहले पता क्या कहती है? बच्चा ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ, वो ठीक है, उस वक्त उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये होती है माँ। हम माँ को नहीं समझ सकते, और जब तक खुद नहीं बनते तब तक तो बिल्कुल ही नहीं समझ सकते। हमें लगता है हमारी माँ हमें डांटती है, हमें बार बार रोकती है, हमें कभी कहती है ये ना करो वो ना करो, खुद करती है, हमें नहीं करने देती। माँ से बड़ा वेल विशर किसी बच्ची का नहीं हो सकता, ये बच्चों याद रख लो। दुनिया में बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो आपको अपनी तरफ खींचेंगे, बहुत सी दोस्तें मिलेंगी, बहुत से ताबूत, बहुत से शैतान ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे नहीं तुम्हारी माँ की बात ना सुनो, मेरी बात सुनो। वो माँ जिसने 9 महीने आपको अपनी कोख में रखा है और पैदा होते ही कहा कि मेरी चांद, मेरा राजा बेटा, मेरी रानी बेटी आ गई है, उससे ज्यादा वेलविशर आपका कोई हो सकता है? नहीं। तो हमने उसका क्या करना है? उसके साथ भलाई का सलूक करना है। इसकी माँ ने इसे पेट में मुशक्कत से रखा और मुशक्कत से इसको जना, और इसके हमल और इसके दूध चुराने की मुद्दत 30 महीने है। 30 मंथ्स औरत तकलीफ में रहती है। 2 ईयर्स वो दूध पिलाती है, और जो पिला फीट कर आ चुकी है वो जानती है इट्स वेरी डिफिकल्ट जॉब। ना दिन होता है ना रात होता है, बच्चे का जब दिल करता है वो आपको सच चिमड़ जाता है। तो माँ क्या कहती है? परे हो? कहती है बिस्मिल्लाह, माँ सबके करे तरह। ये कितनी बड़ी चीज है जो अल्लाह ने माँ के अंदर डाल दी है। तो मैं कभी सोचती हूँ, कभी जब कहते हैं ना शैतान का गलबा भी होता है, अपने गुनाह याद आते हैं और बड़ी बेकरारी होती है, तो अपने आप को तसल्ली पता है किस तरह देती हूँ कि मेरी माँ इतनी गलतियों के बावजूद भी मैं जब उसके पास जाती हूँ मुझे गले से लगा देती है, कहती है अच्छा कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैंने तुम्हें माफ किया। तो अल्लाह सुभान व तआला जो हमें 70 से भी ज्यादा माओं से प्यार करता है, क्या वो अपने बंदे को नहीं प्यार करेगा? वो करेगा। आपने सिर्फ क्या करना है? उसकी तरफ अपना कदम बढ़ाना है, यहाँ तक कि जब वो अपनी कामिल कुव्वत की उम्र को पहुंचा और 40 साल का हो गया तो इसने अर्ज की। 40 साल का जो बंदा या बंदी हो जाते हैं ना, वो मिड में खड़े होते हैं, मोस्टली शादी हो चुकी होती है, माँ बाप जो होते हैं वो बूढ़े हो रहे होते हैं, और जो 40 साल का बंदा है उसके अपने बच्चे हो चुके होते हैं। तो वो एक्सपीरियंस भी कर रहा होता है जो उसके माँ बाप ने उसे पालने में किया। उनको पता चल रहा होता है कि मेरे माँ बाप कितने कीमती हैं, उन्होंने मुझे कितनी चीजें दी हैं, और बच्चों को पाल रहे होते हैं वो एक न्यू एक्सपीरियंस से भी गुजर रहे होते हैं। और 40 साल के बंदे पे तकरीबन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी होती है कि उसने दोनों को ऐसे ही ट्रीट करना है जैसे बच्चों को ट्रीट करते हैं, क्योंकि माँ बाप अब क्या हो रहे हैं? बूढ़े हो रहे हैं, उनमें वो ताकत नहीं रही, वो एक तरफ ढलती उम्र को जा रहे हैं, उनमें डिफरेंट बॉडी चेंजेस हो रहे हैं, डिफरेंट माइंड चेंजेस हो रहे हैं। तो 40 साल के बंदे को कहा गया अगर अभी भी तुम्हें अक्ल नहीं आई तो डरो। अब जितने भी 40 के हैं या होने वाले हैं तो डर जाना चाहिए। और आप बड़ी एक सिचुएशन में ऐसे खड़े होंगे कि आपने दोनों का ख्याल रखना है। ऐसी सिचुएशंस में जब बहुत सी लेडीज होती हैं वो कहती हैं हम क्या करें, और ये सिचुएशन में भी फील करती हूँ कई दफा कि अब मैं क्या करूं, मैं बच्चों का ख्याल करूं या मैं माँ बाप का ख्याल करूं क्या? हमने सबको साथ लेके चलना है। अगर छोटा सा बच्चा एक बात बार बार रिपीट करता है तो हमें बुरा नहीं लगता, हम कहते हैं देखो कितनी प्यारी तोतली जबान से बोल रहा, फिर बोल के दिखाना, फिर बोल के दिखाना। और जब माँ बाप दूसरे से तीसरी दफा कोई बात करते हैं हमें तकलीफ शुरू हो जाती है, हर वक्त ये किस्सा सुनाते रहते हैं, हर वक्त ये किस्सा सुनाते रहते हैं। आपके भी तो किस्से उन्होंने सुने ही है ना, तभी तो आप इतने बड़े हुए हैं। माँ बाप से बी वेरी हम्बल, 10 दफा भी सुना रहे ना वो किस्सा, फिर इतने गौर से सुने, जी अम्मी फिर सुनाएं, जी अबू फिर सुनाएं, और उनकी कैसे केयर करनी है जैसे औलाद की करते हैं। ये बहुत जबरदस्त प्यारी बात अल्लाह ने सिखाई है कि तुम अब ऐसी स्टेज पे पहुंच गई हो कि तुम समझ सकती हो कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कैसे पाला, और वो समझ तब भी आती है जब खुद माँ बाप बनते हैं। कितनी मुश्किल देखी, अब तुम्हारे आगे बच्चे हैं, तुम उन्हें पाल रहे हो, तुम्हारे माँ बाप भी बच्चे जैसे हो गए हैं, तो तुमने दोनों को साथ लेके चलना है, दोनों को बच्चों की तरह ट्रीट करना है। और फिर वो बंदा, एक बहुत प्यारी दुआ है आगे जो हमें सिखाई गई है कि वो बंदा क्या दुआ करेगा, उम्र
यहाँ तक कि जब वो अपनी कामिल कुव्वत की उम्र को पहुंचा और 40 साल का हो गया तो इसने अर्ज की, ए मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमत का शुक्र अदा करूं। अल्लाह से सबसे पहले तौफीक मांगी, क्या करे, ताकि वो शुक्र अदा करूं जो तूने मुझ पर और मेरे माँ बाप पर फरमाई है, और वो नेक काम करूं जिससे तू राजी हो जाए। एक हिस्सा कंप्लीट हो गया। या अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं शुक्र करूं और मुझ पे और मेरे माँ बाप पे वो रहमत का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझ पे और मेरे माँ बाप पे फरमाई है, और मैं नेक काम करूं जिससे तू राजी हो जाए। अब दूसरा हिस्सा आ गया, और मेरे लिए मेरी औलाद में नेकी रख, मैंने तेरी तरफ रुजू किया और मैं मुसलमानों में से हूँ। इसको अंडरलाइन कर लें, आयत नंबर 15 सूरह अहकाफ भी आउजीनी से लेके मिनल मुस्लिमीन तक, ये बेहतरीन दुआ है जो आप मांग सकते हैं। कभी लगे ना बैलेंस में, यही वो लोग हैं जिनके अच्छे अमाल हम कबूल फरमाएंगे और इनकी खताओं से दरगुजर फरमाएंगे, ये लोग जन्नत वालों में से होंगे, ये सच्चा वादा है जो इनसे किया जाता था। और वो जिसने अपनी माँ बाप से कहा, अब एक करेक्टर दिखा दिया जो शुक्रगुजार है, जो माँ बाप की केयर करता है, अब ऐसा करेक्टर दिखाया जा रहा है, ऐसे बच्चे का करेक्टर जो बात नहीं मानता, जो बदतमीज है, जो बहुत ही बुरी तरफ माइल है, माँ बाप को बुरा ट्रीट करता है। और वो जिसने अपने माँ बाप से कहा तुम्हारे लिए उफ, तुमसे दिल बेजार हो गया है, उफ अल्लाह अम्मी तो आप तो दिमाग ही खा जाती है, बार बार एक ही करती है बात करती रहती है, उफ अल्लाह अम्मी आपको तो पता ही नहीं आजकल जमाना कहाँ जा रहा है। 15वें पारे में पढ़ा था कि माँ बापों को क्या नहीं कहना, उफ तक नहीं कहना। और आज उफ क्या, आज तो वो अलकाब देखे जाते हैं कि अल्लाह की पन्ना। माओं से मेरी एक बात है कि अगर आप बच्चों को कुरान से कनेक्ट नहीं करेंगे ना, तो ये भूल जाएं कि वो आपकी कदर करेंगे, क्योंकि जिसको अल्लाह का खौफ नहीं होगा वो किसी का खौफ नहीं रखेगा, ये तो फैक्ट की बात है। दूसरी बात है, जो माँ बाप हैं अगर वो अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करते हैं, उनका ख्याल करते हैं, फिर भी कोई गम ना करें कि इंशाल्लाह जब आपकी उम्र आएगी आपके बच्चे आपकी कदर करेंगे, क्योंकि बच्चों के अंदर कोडिंग सिस्टम है, बहुत सी चीजें वो देख रहे हैं ना, वो उनके अंदर एम्बेड हो रही है। तो हमने माँ बाप को अगर उफ नहीं किया तो हम खुश हों, हमने करना भी नहीं है, इंशाल्लाह हमारे बच्चे अच्छी रविश पे होंगे। और वो जिसने अपने माँ बाप से कहा तुम्हारे लिए उफ, तुमसे दिल बेजार हो गया, क्या तुम मुझे डराते हो कि मैं निकाला जाऊंगा, हालांकि मुझसे पहले कई जमाने गुजर चुके हैं। और वो दोनों अल्लाह से फरियाद करते हैं और बेटे से कहते हैं तेरी खराबी हो, ईमान ले आ, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। तो वो कहता है ये तो पहले लोगों की कहानियां हैं। एक काफिर बेटे का रवैया दिखाया गया है और ये दिखाया गया है कि मोमिन वालिदैन का हाल क्या होता है। तो आज के बाद कभी भी अपने वालिदैन से जब बदतमीजी करना चाहें या कोई ऐसे अल्फाज निकले मुँह से, तो ज़रा इस बात पर गौर करिएगा, आज वो जिस मकाम पर खड़े हैं कल आप उसी मुकाम पर खड़े होंगे। और अल्लाह सुबहान तआला ने जब हमें हुक्म दे दिया कि वालिदैन के सामने उफ नहीं करनी, तो कैसे हो सकता है कि अल्लाह का मतलूब इंसान या कुरान का मतलूब इंसान ये गुस्ताखी करे। ये वो लोग हैं जिन पर बात साबित हो चुकी है, ये जिन्हों और इंसानों के इन गिरोह में शामिल जिनसे पहले गुजरे हैं, बेशक वो नुकसान उठाने वाले हैं, मुनकरीन आखिरत का अंजाम। और सबके लिए इनके अमाल के सब दर्जात हैं, और ताकि अल्लाह इन्हें इनके अमाल का पूरा बदला दे और इन पर जुल्म नहीं होगा। और जिस दिन काफिर आग पर पेश किए जाएंगे तो कहा जाएगा तुम अपने हिस्से की पाक चीजें अपनी दुनिया ही में की जिंदगी में फना कर चुके हो और इनके लिए फायदा उठा चुके, तो आज तुम्हें जिल्लत का अजाब का बदला दिया जाएगा, क्योंकि तुम जमीन में नाहक तकबर करते थे और इसके लिए कि तुम नाफरमानी करते थे। और रात के हम कौम को याद करो जब इसने अपनी कौम को सरजमीन अहकाफ में डराया, और बेशक इससे पहले और इसके बाद कई डर सुनाने वाले गुजर चुके, और अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, बेशक मुझे तुम पर एक बड़े दिन के अजाब का डर है। उन्होंने कहा क्या तुम इसलिए आए हो कि हमें हमारे माबूदों से फेर दो, अगर तुम सच्चे हो तो हम पर ले आओ जिसकी तुम हमें वईदें सुनाते हो। फरमाया इल्म तो अल्लाह ही के पास है और मैं तुम्हें इस चीज की तबलीग करता हूँ जिसके साथ मुझे भेजा गया है, लेकिन मैं तुम्हें एक जाहिल कौम समझता हूँ। रसूलों का काम क्या था, पहुंचा देना, तबलीग करना, बाकी वो माने ना माने उसमें उनका कोई अमल दखल नहीं। आयत में आद के भाई से मुराद आद की कौम और कबीले का फर्द है, और वो हजरत हूद अलैहिस्सलाम है
आपका पूरा नाम अब्दुल्ला बिन रबा बिन अल-अख़वद बिन आद है। कौमे आद के रेगिस्तानी बस्तियों का नाम एहकाफ है। ये जगह उमान और अदन के दरमियानी समंदर का साहिल है। कौमे आद की जहालत ये थी कि वो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से अज़ाब नाजिल होने का मुतालबा कर रहे थे, हालांकि ये इनके दारे इख्तियार में था ही नहीं। और ये भी इनकी जहालत थी कि एक तरफ तौहीद का इनकार कर रहे थे और दूसरी तरफ अपने ही मुंह से मुसीबत और बला को मांग रहे थे। फिर जब उन्होंने इसे यानी अजाब को बादल की सूरत में फैला हुआ अपनी वादियों की तरफ आता हुआ देखा तो कहने लगे, ये हमें बारिश देने वाला बादल है। कहा गया कि नहीं, बल्कि ये तो वो है जिसकी तुमने जल्दी मचाई थी। यानी कौन सा बादल है? अजाब वाला। ये कांदी है जिसमें दर्दनाक अजाब है। ये अपने रब के हुक्म से हर चीज को तबाह कर देती है। तो सुबह को इनकी ऐसी हालत थी कि इनके खाली मकान ही नजर आ रहे थे। हम मुजरिमों को ऐसी ही सजा देते हैं और बेशक हमने इनको इन चीजों में कुदरत दी थी जिनमें ए अहले मक्का तुम्हें कुदरत नहीं दी। हमें लगता है मक्का कितना पीसफुल है, वहां पे क्राइम रेट इतना लो है, वहां पे इतनी फैसिलिटीज है, वहां पे हर किस्म का फल है और सबसे बढ़के वहां पे अल्लाह का घर है। तो अल्लाह कह रहा है अहले मक्का तुम्हारे पास तो उनमें से कोई चीजें भी नहीं है जो मैंने उनको दी थी। यानी उनको मैंने इतनी नेमतें दी थी फिर भी वो नहीं माने। और बेशक हमने इनको इन चीजों में कुदरत दी थी जिनमें ए अहले मक्का तुम्हें कुदरत नहीं दी। और इनके लिए कान और आंखें और दिल बनाए तो इनके कान और इनकी आंखें और इनके दिल इनके कुछ काम ना आए, जबकि वो अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे और इन्हें इस अज़ाब ने घेर लिया जिसका वो मजाक उड़ाते थे। कौमे आद पर आने वाली आंधी ने इनके मर्दों, औरतों, छोटों, बड़ों सबको हलाक कर दिया। इनके अम्बाल आसमान और जमीन के दरमियान उड़ते फिरते थे। इनकी चीजें पारा पारा हो गई और सुबह के वक्त इनके खाली मकान ही नजर आ रहे थे। अल्लाह ताला हमें अपने अज़ाब से महफूज रखे, आमीन। आंधी से मुतल्लिक हदीसे पाक में है, आंधी अल्लाह ताला की रहमत के आसार से है। ये रहमत भी लाती है और अजाब भी लाती है। तुम आंधी को बुरा ना कहो और अल्लाह ताला से इसकी खैर का सवाल करो और इसके शर से अल्लाह ताला की पनाह मांगो। अबू दाऊद की हदीस है। इस पूरी आयत से मकसूद अहले मक्का को ये बताना है कि कौमे आद इनसे ज़्यादा ताकत और कुव्वत में बहुत ज़्यादा थी, बहुत मालदार थी। इसके बावजूद इसकी कुव्वत और ताकत और माल और दौलत इन्हें अजाब इलाही से ना बचा सका। तो तुम इनके हम पल्ला में भी नहीं हो। तो तुम अगर अल्लाह के अहकाम के, अल्लाह की किताब की पैरवी नहीं करोगे तो तुम उसके अजाब से कैसे बच सकोगे? और आज हमें भी ये सोचना चाहिए आता है। और ए अहले मक्का, बेशक हमने तुम्हें तुम्हारे आसपास की बस्तियों को हलाक कर दिया और बार बार निशानियां लाए ताकि वो बाज आ जाएं। तो जिन बुतों को कुर्ब हासिल करने के लिए अल्लाह के सिवा माबूद बना रखा था, इन्होंने इन काफिरों की मदद क्यों नहीं की, बल्कि वो इनसे गुम गए और ये उनका बहतान था जो वो घड़ते रहते थे। और ए हबीब, याद करो जब हमने तुम्हारी तरफ जिन्नों की एक जमात फेरी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में एक बहुत सख्त अफसुरदा मकाम आया था जिसको कहते थे आमुल हुजन, गम का साल, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा वफात पा गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन थे, टूटे हुए थे। तो क्या उन्होंने तबलीग रोक दी थी? नहीं, वो ताइफ की तरफ निकल गए कि मैं वहां पर जाता हूँ, जाके लोगों को दावत देता हूँ, शायद वो लोग ईमान ले आए। लेकिन ताइफ वालों का रवैया हम सबको पता है, उन्होंने इतना गंदा रवैया, उनका रिएक्शन इतना बुरा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां से निकले तो आपकी चप्पलें खून से भरी थी और खून के साथ आप चलते जा रहे थे। उसके बाद आपने एक वादी में जाके थोड़ी देर सस्ताए जहां से एक जिन्नों का गिरोह निकला और वो जिन ईमान ले आए। इतनी बड़ी टीचिंग है दाईये दीन के लिए। दावत देना हमारा काम है, लोगों को बताना हमारा काम है। कहीं आप जाते हैं ना, आपको लगता है कि यहाँ पे तो किसी ने कुछ नहीं सीखा, तो अल्लाह ताला उधर से आपको नवाज देगा जहां से आपका गुमान भी नहीं होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ से वापस आ रहे थे और ऐसा रिएक्शन देखा था तो कितने गमगीन थे। तो अल्लाह ताला ने जिन्नों के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशी दे दी। और ए हबीब, याद करो जब हमने तुम्हारी तरफ जिन्नों की एक जमात फेरी जो कान लगाकर कुरान सुनती थी। क्यों उनको हिदायत मिली थी? क्योंकि कान लगाकर और के साथ कुरान सुनती थी। फिर जब वो नबी की बारगाह में हाजिर हुए तो कहने लगे, खामोश रहो और सुनो।
फिर जब वो नबी की बारगाह में हाजिर हुए तो कहने लगे खामोश रहो और सुनो। फिर जब तिलावत खत्म हो गई तो वो अपनी कौम की तरफ डराते हुए पलट गए। जिन्होंने की जमात ने एक बड़ी जबरदस्त बात सुनाई, उन्होंने कुछ हिस्सा ही सुना था ना जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत कर रहे थे, तो उन्होंने ये तो नहीं कहा भी मैं पूरा कुरान सीखूंगा, हम सीखेंगे फिर हम अपनी कौम के पास जाएंगे फिर उनको जाकर डराएंगे कि हिदायत की तरफ आ जाए। उन्होंने सुनी और फौरन अपनी कौम के पास गए कि हम जाके उन्हें डराते हैं कि एक ऐसा वक्त आने वाला है जो कि इस बात की दलील है कि दाईये दीन हम सब है। कोई डिग्रीज की जरूरत नहीं होती, कोई इतने साल लगा के किसी स्पेशल इंस्टीट्यूशन की जरूरत नहीं होती दाईये दीन बनने के लिए। एक हुक्म आ गया, सही तरीके से समझ आ गया, तस्दीक कर ली, तो उसको क्या करेंगे आगे फैलाएंगे। और किसको सबसे पहले डराएंगे? अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को। देखे जिन भी कहां गए, अपनी कौम की तरफ गए कि उनको डराते हुए पलट। फिर जब तिलावत खत्म हो गई तो वो अपनी कौम की तरफ डराते हुए पलट गए, कहने लगे ए हमारी कौम, हमने एक किताब सुनी है जो मूसा के बाद नाजिल की गई, वो पहली किताबों की तस्दीक फरमाती है, हक और सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करती है। ए हमारी कौम, अल्लाह की मनादी की बात मानो और इस पर ईमान लाओ, वो तुम्हारे गुनाहों में से बख्श देगा और तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा लेगा, और जो अल्लाह के बुलाने वाले की बात ना माने तो वो जमीन में काबू से निकल कर जाने वाला नहीं है और अल्लाह के सामने इसका कोई मददगार नहीं, वो खुली गुमराही में है। कितने जबरदस्त तरीके से जिन्होंने तबलीग की है, जरा दोबारा अब इस पैसेज पे गौर करिएगा। ए हमारी कौम, अल्लाह के मनादी की बात मानो और इस पर ईमान लाओ। अब इसमें देखिएगा कि 3-20 सेंटेंस में जो आगे बोला जा रहा है कोई नेगेटिव बात नहीं है कि अगर नहीं मानोगे वो तुम्हें आग में डाल देगा, नहीं मानोगे वो तुम्हें जहन्नुम में फेंक देगा, नहीं मानोगे वो ये करेगा। क्या कह रहे हैं? वो तुम्हारे गुनाहों में से बख्श देगा। पुरउम्मीद स्टाइल, दाईये दीन का स्टाइल क्या होता है? पुरउम्मीद, पॉजिटिव, बस तुम आ जाओ बाकी सब कुछ अल्लाह तुमसे खुद करा लेगा और तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा लेगा। नॉट अ नेगेटिव स्टाइल, इट्स अ वेरी पॉजिटिव स्टाइल। और फिर जो अल्लाह की बात ना माने तो जमीन, तो वो जमीन में काबू से निकल कर जाने वाला नहीं, लेकिन अगर फिर भी नहीं मानोगे तो अल्लाह से कैसे बच सकोगे, कैसे उस दिन तुम चुप हो जाओ, छुप सकोगे या कैसे तुम जवाब दे सकोगे, और अल्लाह के सामने इसका कोई मददगार नहीं, वो खुली गुमराही में है। दाईये दीन कैसे दावत देता है? नहीं, पुरउम्मीद स्टाइल, पॉजिटिव स्टाइल कि एक दफा सिर्फ अल्लाह की तरफ आ जाओ बाकी अल्लाह ताला तुम्हें बख्श देगा। तुम क्या उन्होंने नहीं देखा कि वो अल्लाह जिसने आसमान और जमीन बनाए और इनके बनाने में ना थका, वो इस बात पर कादिर है कि मुर्दों को जिंदा करे? क्यों नहीं, बेशक वो हर चीज पर कादिर है। और जिस दिन काफिर आग में पेश किए जाएंगे तो कहा जाएगा क्या ये हक नहीं, कहेंगे क्यों नहीं, हमारे रब की कसम अल्लाह फरमाएगा तो अपने कुफर के बदले अजाब चखो। तो ए हबीब तुम सब्र करो जैसे हिम्मत वाले रसूलों ने सब्र किया। पीछे अल्लाह ताला ने हमें भी कहा सब्र करो, और सब्र करना क्या आसान काम है? नहीं, अल्लाह ने कहा ये बहुत मुश्किल काम है सब्र करना। ये किसका काम है? ये रसूलों का काम है, वो करते थे। तो हम सब्र मुश्किल जरूर है लेकिन इसका रिजल्ट क्या है? सब्र प्लस शुक्र इज इक्वल टू जन्नत। तो जन्नत में जाना है तो सब्र भी करना है और शुक्र भी करना है। और इन काफिरों के लिए जल्दी ना करो, जिस दिन वो देखेंगे इसे जिसकी वईद इन्हें सुनाई जाती है तो समझेंगे कि गोया वो दुनिया में दिन के सिर्फ एक घड़ी भर ठहरे थे, ये एक तबलीग है, तो नाफरमान लोग ही हलाक किए जाते हैं। तबलीग क्या होती है? किसी चीज को फैला देना, फॉरवर्ड करना। तो कुरान क्या है? कुरान एक तबलीग है। किसके लिए? मुत्तकियों के लिए। और इसको कौन छुटलाएंगे? जो नाफरमान है और उन्हें हलाक किया जाएगा। कितनी प्यारी सी सूरत है। अब आगे है सूरह मोहम्मद, मदनी सूरत है, बहुत ही प्यारी सूरत है, इसमें बहुत से अहकाम भी हैं। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत वाला है, जिन्होंने कुफर किया और अल्लाह की राह से रोका, अल्लाह ने इनके आमाल बर्बाद कर दिए। क्या स्टाइल है सूरत का? शुरू में ही अल्लाह ताला ने कह दिया, वार्निंग दे दी है, जिन्होंने कुफर किया और अल्लाह की राह से रोका, अल्लाह ने इनके आमाल बर्बाद कर दिए। اللہم لا تجلنا منہم, اللہ تعالیٰ ہمارے اعمالوں کو برباد نہ کرے۔ اور جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے, دو چیزیں ہیں جی جنت میں جانے کے لیے, دو ریکوائرمنٹس ہے, کیا
माशाल्लाह लकु तआला बिल्ला अल्हम्दुलिल्लाह कि आपको अब ये बात समझ आ गई कि जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किए और इस पर ईमान लाए जो मोहम्मद पर उतारा गया और वही इनके रब के पास से हक है, तो अल्लाह ने इनकी बुराइयां मिटा दी और इनकी हालतों की इस्लाह फरमा दी। अल्लाह हु अकबर कबीरा। ना प्यार आता है अल्लाह सुभान व तआला पे और इतनी रहमत, क्या एक सकीनत होती है कि अगर ईमान लाओगे, अमले सोले करोगे तो अल्लाह ताला क्या करेगा, अल्लाह बुराइयों को मिटा देगा और हालतें दुरुस्त कर देगा। और ये फैक्ट है, ये इसलिए कि काफिर बातिल के पैरोकार हुए और ईमान वालों ने हक की पैरवी की जो इनके रब की तरफ से है। अल्लाह इनके हालात लोगों से यूं ही बयान फरमाता है, तो जब काफिरों ने तुम्हारा सामना हो तो गर्दने मारो, यहाँ तक कि जब तुम इन्हें खूब कत्ल कर लो, तो कैदियों को मजबूती से बांध दो, फिर इसके बाद चाहे एहसान करके छोड़ दो या फिदिया ले लो, यहाँ तक कि लड़ाई अपने बोझ रख दे। यहाँ पे किताल का हुक्म दिया गया है कि अगर वो बात नहीं मान रहे, अल्लाह की राह में नहीं आ रहे, तो फिर क्या करना है, उनसे लड़ना जरूरी है। फिर जब जंग खत्म हो जाए तो फिर उन्हें कैद रखो या फिदिया लेके उनको छोड़ दो, ये ऑप्शन आपके पास है। हुक्म यही है कि अगर अल्लाह चाहता तो आप ही उनसे बदला ले लेते, मगर तुम्हें किताल का हुक्म दिया ताकि तुम में से एक को दूसरे के जरिए जांचे। क्यों इंसान से का किताल करो, ताकि पता चल जाए मुनाफिक कौन है और ईमान वाला कौन है। किताल करना, जंग करना क्या आसान बात है, ये सिर्फ कहना आसान बात, करना बहुत मुश्किल है। अल्लाह ताला ने क्यों कहा है, ताकि अल्लाह ताला जांच ले कि मुनाफिक कौन है और ईमान वाला कौन है। और जो अल्लाह की राह में मारे गए, अल्लाह हरगिज इनके अमल जाया नहीं फरमाएगा, अनकरीब अल्लाह इन्हें रास्ता दिखाएगा और वो इनके हाल की इसलाह फरमाएगा और इन्हें जन्नत में दाखिल फरमाएगा, और अल्लाह ने इन्हें इनकी पहचान करवा दी थी। ए ईमान वालों, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें साबित कदमी अता फरमाएगा। बहुत प्यारी आयत है, इसको हाईलाइट करें। अल्लाह ताला ईमान वालों को क्या कह रहे हैं, क्या अल्लाह को हमारी जरूरत है कि हम दीन फैलाएं? नहीं, अल्लाह को हमारी जरूरत नहीं है, ये अल्लाह का हम पे एहसान है कि उसने हमें ये तरीका दे दिया है। ये रसूलों पैगंबरों का तरीका है, ये आम लोगों को ये प्रिविलेज मिल ही नहीं सकता था। अगर किसी को ये प्रिविलेज मिलता है, ये बहुत बड़ा ऑनर है कि अल्लाह ने अगर आपको दिया है तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, मेरी मदद करो। अल्लाह की मदद हम कैसे कर सकते हैं, उसकी किताब को फैला के, जिनको नहीं समझ आती उन तक इल्म पहुंचा के। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें साबित कदमी अता करेगा। दीन की मदद, अगर मैं किसी तरीके से आप दीन स्प्रेड कर रहे हैं ना, तो खुश हो जाए, अल्लाह का इनाम क्या मिलेगा आपको, साबित कदमी, आप खुद दीन पे इस्तकामत से खड़े हो जाएंगे। और जिन्होंने कुफर किया तो इनके लिए तबाही और बर्बादी है, और अल्लाह ने इनके अमाल बर्बाद कर दिए। ये सजा इस वजह से है कि उन्होंने अल्लाह के नाजिल किए हुए को नापसंद किया, तो अल्लाह ने इनके अमाल जाया कर दिए। तो क्या उन्होंने जमीन में सफर ना किया तो देखते कि इससे पहले लोगों का कैसा अंजाम हुआ। अल्लाह ने इन पर तबाही डाली और इन काफिरों के लिए भी पहलुओं के अंजाम जैसी बहुत सी सजाएं हैं। ये इसलिए कि अल्लाह मुसलमानों का मददगार है और काफिरों का कोई मददगार नहीं। बेशक अल्लाह ईमान लाने वालों और अच्छे अमाल करने वालों को इन बागों में दाखिल फरमाएगा जिनके नीचे नहरें रवा हैं, और काफिर फायदा उठा रहे हैं और ऐसे खाते हैं जैसे जानवर खाते हैं, और आग इनका ठिकाना है। जानवरों को तमीज नहीं होती कि कहां से खाना है, क्या खाना है, इसे जहां भी जो कुछ मिलता है खाना शुरू कर देते हैं, चाहे तैयब हो चाहे तैयब ना हो। ना उन्हें हराम का पता होता है ना हलाल का पता होता है। और जो इंसान भी ये तमीज भूल जाता है वो जानवरों से बदतर हो जाता है। किसी भी चीज को हद से हमने अगर बढ़ा दिया ना, एतदाल खत्म कर दिया, तो वो हमारे लिए बुरा बन जाएगा। एक मोमिन कैसे खाता है, थोड़ी सी भूख रख के खाता है। नहीं ऐसे शहर हैं जो तुम्हारे इस शहर से ज्यादा कुवत वाले थे, जिसने तुम्हें बाहर निकाल दिया, हमने इन्हें हलाक कर दिया, तो इनके लिए कोई मददगार नहीं। तो जो शख्स अपने रब की तरफ से रोशन दलील पर हो गया, वो उस जैसा कैसे होगा जिसके बुरे अमल इसके लिए खूबसूरत बना दिए गए और अपनी ख्वाहिशों के पीछे चले। इस जन्नत का हाल जिसका परहेजगारों से वादा किया गया है, ये है कि इसमें खराब ना होने वाले पानी की नहरें हैं। दुनिया का पानी
बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर पानी थोड़ी ही अर्सा एक जगह पड़ा रहे ना, उसमें भी स्मेल आ जाती है, उसमें भी एक अजीब किस्म का टेस्ट डेवलप हो जाता है कि वो पिया नहीं जा रहा। अल्लाह ताला अपनी कुदरत बता रहे हैं, अपनी सुपीरियोरिटी बता रहे हैं कि वहां का पानी कैसे है जो खराब ना होने कि इसमें खराब ना होने वाले पानी की नहरें हैं, और ऐसे दूध की नहरें हैं जिसका मजा ना बदलेगा, और ऐसी शराब की नहरें हैं जो पीने वालों के लिए सरासर लज्जत है, और शफाफ साफ शफाफ शहद की नहरें। आज असली शहद कितना महंगा है, इतना महंगा हो गया कि अफोर्ड नहीं कर सकते आप, वो नकली हम खा रहे हैं जिसमें चीनी मिली हुई, खा के अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है यही मिल गया है। तो वहां पे शहद की नहरें होंगी, और इनके लिए इनमें हर किस्म के फल, और इनके रब की तरफ से मगफरत है, इतने इनाम है। अल्लाह ताला हम सबको उस जन्नत का अहल बना दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। क्या ये जन्नती इसके बराबर हो सकता है जो हमेशा आग में रहने वाला है और इन्हें खोलता पानी पिलाया जाएगा तो इनकी आंतों के टुकड़े टुकड़े कर देगा। अल्लाहुम्मा ला तजलना मिनहुम, और लोगों में से कुछ वो हैं जो तुम्हारी तरफ कान लगाकर सुनते हैं, यहाँ तक कि जब तुम्हारे पास से निकल जाते हैं तो इल्म वालों से कहते हैं अभी उन्होंने क्या कहा। यही वो लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने मोहर लगा दी है और वो अपनी ख्वाहिशों के ताबे हो गए हैं। बहुत से लोग और जिन्होंने हिदायत पाई तो अल्लाह ने इनकी हिदायत और ज्यादा फरमा दी और इन्हें इनकी परहेजगारी अता फरमाई, और तो वो कयामत ही का इंतजार कर रहे हैं कि इन पर अचानक आ जाए। तो बेशक इनमें कई अलामतें तो आ चुकी हैं, फिर जब कयामत आ जाएगी तो इनका नसीहत मानना इन्हें कहाँ मुफीद होगा। कयामत की बहुत सी निशानियां अभी भी पूरी हो चुकी हैं। जैसे हम छोटे थे तो हर जगह बिल्डिंग्स ही होती थी, ये लालाजार कितना ओपन प्लेस था, इसमें इतनी बिल्डिंग्स नहीं थी, लेकिन देखते ही देखते अब तो हर जगह इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स, और ये कयामत की निशानियों में से एक निशानी है। दूसरी निशानी जो कहते थे कि मक्का मदीना जो है वो सरसब्ज हो जाएंगे, और वो हो चुके हैं। इतनी निशानियां आ चुकी हैं, हम कौन सी निशानी का इंतजार कर रहे हैं कि वो आएगी और फिर हम अमल करना शुरू करेंगे। इंसान की कयामत कब शुरू होती है, जब वो मर जाता है। जैसे ही मौत का फरिश्ता नजर आया, मुझे पता चल जाएगा मेरे पास सफेद फरिश्ते हैं या काले फरिश्ते हैं, मेरी कयामत तो उसी वक्त शुरू होगी। तो हमने आज से अभी से अमल करने का इरादा करना है। तो जान लो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और ए हबीब अपने खास गुलामों और आम मुसलमान मर्द और औरतों के गुनाहों की माफी मांगो, और ए लोगों अल्लाह दिन के वक्त तुम्हारे फिरने और रात को तुम्हारे आराम करने को जानता है। कब फिरना है, दिन के वक्त। औरतों बींग लेडीज बींग बच्चियां एक रूल बना लें कि मगरिब से पहले मैंने बाहर के जितने काम कर लेने मैंने मगरिब के बाद नहीं। और ये सिर्फ बच्चियों के रूल नहीं लिए, ये बच्चों के लिए भी रूल है। मगरिब के टाइम क्या चीजें आसमान से उतरती हैं, शयातीन जिन हर बुरी चीज नासिल की जाती है। इसलिए कहते हैं जब भी मगरिब की अजान हो तो बिस्मिल्लाह पढ़ के घरों की कुंडियां लगा लो और अंदर बैठे रहो, और अगर फिर काम है तो कब निकलो, जब इशा की अजान हो जाए अल्लाह की पनाह मांग के निकलो। ये रूल अल्लाह ने बताया है। क्या रूल अल्लाह ने हमें बताया है, हमने अपने काम कब करने हैं, दिन के टाइम, और रात को क्या करना है, रात को आराम करना है। और मुसलमान कहते हैं कोई सूरत क्यों ना उतारी गई, फिर जब कोई वाज़े सूरत उतारी जाती है और इसमें जहाद का हुक्म दिया जाता है तो तुम इन लोगों को देखोगे जिनके दिलों में बीमारी है कि तुम्हारी तरफ ऐसे देखते हैं जैसे वो देखता है जिस पर मौत छाई हो, तो इनके लिए बेहतर था। हुक्मे जहाद पर मुश्तमिल सूरत उतरने पर मुनाफिकों का हाल बयान किया गया है इस आयत में। बताया जा रहा है कि अल्लाह पर ईमान का तकाजा क्या है, फरमा बरदारी करना। मुसलमान का मतलब क्या है, तो फरमा बरदारी करना और अच्छी बात कहना। फिर जब जहाद का हुक्म कतई हो गया तो अगर अल्लाह ने अल्लाह से सच्चे रहते तो ये इनके लिए बेहतर होता। तो क्या तुम इस बात के करीब हो कि अगर तुम्हें हुकूमत मिले तो जमीन में फसाद फैलाओ और अपने रिश्ते काट दो। जब मुनाफिकों को मुशरिकों के खिलाफ जहाद करने का हुक्म दिया गया तो कहने लगे कि हम मुशरिकों के खिलाफ जहाद कैसे करें, क्योंकि इंसानों को कत्ल करना जमीन में फैसाब फैलाना है, नेस अरब वाले हमारे रिश्तेदार हैं, तो इनसे जंग करके इन्हें कत्ल करना रिश्तेदारी को तोड़ देना है और ये कोई अच्छे काम नहीं। इनके रद्द में यह आयत नाजिल हुई। फी जमाना भी इस्लाम के दुश्मन इस्लामी जहाद पर इसी तरह के एतराज़ात करते हैं। इनके एतराज़ात इस्लाम दुश्मनी के सिवा और कुछ नहीं है। ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की तो अल्लाह ने इन्हें बहरा कर दिया और इनकी आंखें अंधे कर दी। बहरा कर दिया,
आपको हक बात भी सुनाई नहीं देगी और अंधी क्या कर दी, आपको साफ चीजें भी दिखाई नहीं देंगी। बेशक वो लोग जो अपने पिछले पीछे पलट गए, इसके बाद कि इनके लिए हिदायत बिल्कुल वाजे हो चुकी, शैतान ने इन्हें फरेब दिया और इन्हें लंबी लंबी उम्मीदें दिलाई। ये इसलिए कि इन्होंने अल्लाह के नाजिल करदा को नापसंद करने वालों को कहा, किसी काम में हम तुम्हारी इताअत करेंगे और अल्लाह इनकी छुपी बातों को जानता है। तो इनका कैसा हाल हुआ होगा जब फरिश्ते इनके मुंह और इनकी पीठों पर जरबे मारते हुए इनकी रूह कब्ज करेंगे। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिन्हुम। मौत इतनी सख्त है, तो कहते हैं कि जब मौत आती है तो ऐसे जैसे मलमल का कपड़ा झाड़ियों पर डालें, आप फेंक दें और फिर उसे खींचे, वो लीर लीर हो जाएगा। इंसान का ये हाल होता है। और इस कंडीशन में भी अगर आपको जो लेने आए हैं वो आपको ऊपर से मार रहे हो, तो सोचे क्या कंडीशन है, इतनी सख्त। अल्लाह ताला हम सबको इससे महफूज रखे। ये इसलिए कि उन्होंने अल्लाह को नाराज करने वाली बात की पैरवी की। ये नहीं कहा अल्लाह ताला ने उनको नाराज करने वाली बात की, नाराज करने वाली बात की पैरवी की। यानी अगर तुम खुद एक्ट नहीं भी करी, को तुम बड़ी पाकीजा मुत्तकी बनी हो, लेकिन तुम्हारे इर्द गिर्द वाले गलत काम कर रहे हैं और तुम उसकी पैरवी कर रही हो, तुम उसको बैकअप कर रही हो, तो तुम्हें भी वो अजाब पहुंचेगा। जिसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल थी कौमे लूत में, जब वो पूरी घर वाले निकल गए थे लेकिन उनकी बीवी पीछे रह जाने वालों में से हो गई थी। वो खुद तो ये काम नहीं करती थी, वो क्या करती थी, उनको बैकअप करती थी, उनको सपोर्ट करती थी। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, ये इसलिए कि उन्होंने अल्लाह को नाराज करने वाली बात की पैरवी की और उन्होंने अल्लाह को खुशनूदी को पसंद ना किया, तो इनको तो इसने इनके अमाल जाया कर दिए। अल्लाह ताला हम सब के अमालों को जाया ना करे, क्योंकि आगे हमारे अमाल है ही नहीं, देखा जाए लिटिल जीरो है। मैं तो हैरान होती हूँ सहाबा कराम के अमाल, अगर आप कभी पढ़े, आप कभी उनके किस्से पढ़े, मैं कहती हूँ यार हम तो कुछ करते ही नहीं, हम तो नमाज पढ़ना इतना मुश्किल लगता है, वो तो इतना इतना कुरान पढ़ते थे, पूरी पूरी रात इबादत में खड़े होते थे, तस्बीहात करते थे, सदका करते थे, खैरात करते थे, हमारे तो अमाल ही नहीं है। और अगर मैंने कोई ऐसा काम किया जो अल्लाह की नाराजगी की पैरवी करी, तो मेरे अमाल बर्बाद हो जाएंगे। क्या जिनके दिलों में बीमारी है वो इस घमंड में है कि अल्लाह इनके छुपे हुए बुग्ज़ और कीने को जाहिर ना फरमाए, और अगर हम चाहते तो तुम्हें वो मुनाफिकीन दिखा देते, तो तुम इन्हें इनकी सूरत से पहचान लेते और जरूर तुम इन्हें गुफ्तगू के अंदाज से पहचान लोगे, और अल्लाह तुम्हारे अमाल जानता है और जरूर हम तुम्हें आजमाएंगे। क्या हम ऐसे ही जन्नत में चले जाएंगे, इजी इजी उठेंगे, अच्छी अच्छी जिंदगी गुजारेंगे, प्यारे बच्चे भी हो जाएंगे, फिर हम मर जाएंगे और जन्नत में चले जाएंगे? नहीं, अल्लाह ताला ने पीछे क्या कहा है, मैं तुम्हें आजमाऊंगा, भूख से आजमाऊंगा, खौफ से आजमाऊंगा, जानों मालों की कमी से आजमाऊंगा। अल्लाह ताला हमें आजमाएंगे और जरूर हम तुम्हें आजमाएंगे, यहाँ तक कि हम तुम में से जहाद करने वालों और सब्र करने वालों को देख लें और तुम्हारी खबरें आजमा लें। अल्लाह आजमाएगा। इनके लिए हिदायत बिल्कुल जाहिर हो चुकी और वो हरगिज अल्लाह को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे और बहुत जल्द अल्लाह इनके अमाल बर्बाद कर देगा। अमाल जाया होने की बहुत सी सूरतें होती हैं। एक सूरत यह है कि ईमान लाने के बाद कुफर करना, नेक अमाल करने के बाद बुरे अमाल कर देना, अपने अमाल को रियाकारी करके और खुद पसंदी करके उनको जाया कर देना, यानी कि शो ऑफ करके। ए ईमान वालों, अल्लाह का हुक्म मानो और रसूल का हुक्म मानो और अपने आमाल बातिल ना करो। वॉर्न कर अल्लाह ताला, उस औरत की तरह ना हो जाओ जो पूरी रात सूद काटती रही, फिर सुबह उठ के उसको खुद ही उधेड़ने लगी। और आज देखे, अगर ना अगर गौर करूं मैं, तो मुझे बहुत डर लगा था यार पढ़ के कि हमारे आमाल ऐसे हैं। हम अपनी तरफ से नेकियां कर रहे थे, फिर हम बैठेंगे किसी की कीमत चुगली करके ना हम उसको जाया कर दें। हमारे तो जहन में होता है कि हमने तो नेकी की है, हमने कोशिश करनी है, कोई ऐसा अमल ना करें कि हमारे अमाल बातिल हो जाएं। बेशक जिन्होंने कुफर किया और अल्लाह की राह से रोका, फिर काफिर ही मर गए, तो अल्लाह इन्हें हरगिज नहीं बख्शेगा। तुम सुस्ती ना करो और खुद सुलह की तरफ दावत ना दो, और तुम ही गालिब होगे और अल्लाह तुम्हारे साथ है और वो हरगिज तुम्हारे अमाल में तुम्हें नुकसान ना देगा। कुफार के मुकाबले में बुजदली ना करने के बारे में कहा गया है कि अगर कोई काफिर आ गया है, कोई हक से हटा रहा है, तो अल्लाह की बात से मैं बैक ऑफ नहीं हो सकती, मुझे हमेशा हमेशा स्टैंड लेना है। किसके लिए? अल्लाह के लिए। और मुझे हमेशा झुक जाना है अपने लिए। ये रूल है कि जब मेरी जात पे कोई बात आ रही है कि आप ऐसी आप झुक जाए, आप कहें बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैं ऐसी हूं, मैं बहुत कम अकल, मैं बेवकूफ तरीन दुनिया का बंदा, ठीक,
लेकिन जब अल्लाह की बात आएगी, अल्लाह के किसी हुक्म की बात आएगी, तब बुजदिल नहीं पड़ना, तब डट के खड़े हो जाना है। दुनिया की जिंदगी की तो यही खेल कूद है, और अगर तुम ईमान लाओ और परहेजगारी करो तो वो तुम्हें तुम्हारा सवाब अता फरमाएगा और कुछ तुम्हें से तुम्हारे माल ना मांगेगा। अगर अल्लाह तुमसे तुम्हारे माल तरफ करे और ज्यादा तलब करे तो तुम बुखल करोगे और वो बुखल तुम्हारे दिलों के खोट को जाहिर कर देगा। बुखल के लगवी मानी है कंजूसी, और इस्तलाहन इसके मानी है कि जहां खर्च करना शरन जो हो वो लाजिम हो वहां पे खर्च ना किया जाए। यानी कि अल्लाह की राह में अगर मांगे जा रहे हैं पैसे और आपको नजर आ रहा है जेन्युइन कॉल्स है, आप नहीं खर्च कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? अल्लाह के साथ बुखल कर रहे हैं। हाँ हाँ, ये तुम हो जो बुलाए जाते हो ताकि तुम अल्लाह की राह में खर्च करो, तो तुम में कोई बुखल करता है, और जो बुखल करे वो अपनी ही जान से बुखल करता है, और अल्लाह बेनियाज है और तुम सब मोहताज हो। हम सब क्या है लगे? हम मोहताज हैं, और अगर तुम मुंह फेरोगे तो वो तुम्हारे सिवा और लोग बदल देगा, फिर वो तुम जैसे ना होंगे। अगर अल्लाह अपनी राह में किसी चीज के लिए भी आपको चूज कर रहा है ना, तो वो क्या, वो आपका अल्लाह पे बहुत बड़ी रहमत और फजल है। फिर अगर आप उस चीज से, वो जो नेमत आपको मिली है, अगर आप मुंह फेरेंगे तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, वो चीज ही तुमसे दूर कर दूंगा और तुम्हारी जगह और लोगों को ले आऊंगा। यहाँ पे अगर आप सब आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आज इतने लोग यहाँ बैठे हुए हैं और अल्लाह के कलाम को सुन रहे हैं, तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। लेकिन अगर हमने इस फजल की कदर ना की ना, तो ये होता है अल्लाह ताला वो चीजें ही हमसे दूर कर देता है। आगे सूरह फतह है, मक्की सूरत है, बहुत प्यारी सूरत है। सुलह हदीबिया की बरकात इस सूरत में बताई गई है, अल्लाह और उसके रसूल की अजमत बताई गई है, मोमिनों को खिराज तहसीन पेश किया गया है, बैत रिजवान का इसमें जिक्र है। इस सूरत को पढ़ने से पहले जल्दी से हम सुलह हदीबिया के बारे में थोड़ी सी बातें इंफॉर्मेशन लेंगे, देन वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस सूरह। उमरा हुदैबिया ज़िलकदा 6 हिजरी में हुआ, मदीने में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब दिखलाया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा अमन के साथ मस्जिद हराम में दाखिल हुए और सरों को मुंडवाया और कसर कराया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हुम को इसकी इतला दी और ये बतलाया कि आप उमरे का इरादा रखते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरोज पीर यकम ज़िलकदा 6 हिजरी को 1400 महाजरीन और इंसार के साथ मदीने से रवाना हुए और अपने साथ कुर्बानी के जानवर भी लेके गए ताकि लोगों को मालूम हो कि आप जंग के लिए नहीं बल्कि उमरे के लिए जा रहे हैं। जुलहलैफा पहुंचकर जानवरों को के खिलादे पहनाए, कोहान चीर कर निशान बनाया और उमरे का एहराम बांधा। यानी क्लियर कट, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब आया था कि आप उमरे पे जाएं, फिर उन्होंने ऐलान किया और 1400 कितनी, एक वक्त था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ मदीना जा रहे हैं। अल्लाह ने कितनी फतह दी कि 1400 महाजरीन और इंसार के साथ एक काफिला निकला और साथ कुर्बानी के जानवर थे और अहराम क्यों पहन दिया, ताकि उन्हें यकीन हो जाए कि हम लड़ने नहीं आ रहे, हम सिर्फ उम्रे के लिए आ रहे हैं। और याद रखिये उस वक्त मक्का तमाम लोगों के लिए ओपन था, कोई भी आके वहां पे उम्रा कर सकता था। असफान पहुंचे तो आपके जासूस ने आकर इतला दी कि कुरैश जंग का और मुसलमानों को बैतुल्ला से रोकने का तहिया किए बैठे हैं। उन्होंने जीतुआ में पड़ाव रखा है और खालिद बिन वलीद को 200 सवारों के साथ असफान भेज दिया है ताकि वो मक्का आने वाले रास्ते बंद कर दें। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हों ने कहा, हम उमरा करने के लिए आए हैं, लड़ने के लिए नहीं आए, लिहाजा जो हमारे और बैतुल्ला के दरमियान हायल हो इससे लड़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह राय कबूल की। उधर खालिद बिन वलीद ने जोहर की नमाज में मुसलमानों को रुकू और सजदा करते हुए देखा तो कहा, ये लोग गाफिल थे, हमने हमला किया होता तो इन्हें मार दिया होता। फिर तय किया कि असर की नमाज के दौरान में हमला करेंगे, लेकिन अल्लाह ने जोहर और असर के दरमियान सलाते खौफ की आयात जो थी वो नाजिल कर दी थी। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रास्ते को छोड़कर एक दूसरा रास्ता इख्तियार किया और मक्का से नीचे दाहिने हाथ चलकर सनियातुल मरार पहुंच गए, जहां से हुदैबिया में उतरते हैं। वहां पहुंचकर आपकी ऊंटनी बैठ गई। आपकी ऊंटनी का नाम क्या था?
कसवा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी का नाम था कसवा, ऊँटनी बैठ गई और लोगों ने डांटा भी तो ना उठी, लोगों ने कहा कसवा अड़ गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कसवा अड़ी नहीं है और ना ही इसकी आदत है, लेकिन इसे सस्ती ने रोक रखा है जिसने हाथी को रोक दिया था। किसने? अल्लाह सुबहान तआला ने। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की कसम ये लोग मुझसे किसी भी ऐसे मामले का मुतालबा ना करेंगे जिसमें अल्लाह की हुरमतों की तअज़ीम कर रहे हों, मगर मैं उसे जरूर तस्लीम कर लूंगा, यानी मैं सब कुछ एक्सेप्ट कर लूंगा, लेकिन कोई भी ऐसी बात जो अल्लाह की हुरमतों को को खत्म कर रही हो वो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंटनी को डांटा तो वो उछल कर खड़ी हो गई। फिर आपने आगे बढ़कर हुदैबिया में पड़ाव डाल दिया। उसके बाद बहुत से जो थे लोग वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास आए और बार बार कहते रहे कि जंग ना करें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार कहते रहे कि हम तो उमरे के लिए आए हैं, आप क्यों यहां से जाते थे, लोग गलत बातें पहुंचाते थे, वहां से आते थे कि जंग ना करें, आप कहते थे हम जंग के लिए आए ही नहीं हैं। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तय किया कि कुरैश के पास एक सफीर रवाना करें, क्योंकि गलत रिपोर्ट जा रही थी। तो उन्होंने कहा एक सफीर, एक रिप्रेजेंटेटिव जाएगा जो उन्हें यकीनी तौर पर बतलाएगा कि आप उमरे ही के लिए तशरीफ लाए हैं। चुनाचे आपने हजरत उस्मान बिन अफान रजी अल्लाह ताला अन्हों को रवाना फरमाया और उन्हें यह भी हुक्म दिया कि वो मक्के के कमजोर मोमिन मर्दों और औरतों के पास जाकर उन्हें करीब ही फतह की बिशारत दे दे। तब ये वाली आयात जो है जो आगे बेशक फतह करीब है, उन्हें क्या बता दें कि फतह करीब है, एक टाइम है मक्का फतह हो जाएगा, आप दिल पे गम ना करें, उसके बिशारत सुना दें और ये बतला दें कि अल्लाह अज़वाजल अपने दीन को मक्का में जाहिर और गालिब करने वाला है, यहां तक कि किसी को ईमान छुपाने की जरूरत ना होगी। कितनी बड़ी तसल्ली होगी मक्के वालों को जो वहां बैठे हैं, जिनके पास वसाइल नहीं थे कि वो मूव करें, हिजरत करें, माइग्रेट करें, जब उन्हें ये पता चल गया कि एक वक्त आने वाला है कि हम ओपनली नमाज पढ़ सकेंगे, एक वक्त आने वाला है हम ओपनली अल्लाह की दावत दे सकेंगे। हम लोग कितने प्रिविलेज्ड हैं, हम लोग कितने ब्लेस्ड हैं, कोई हमें नमाज से नहीं रोकता, हम फिर भी नमाज नहीं पढ़ते, कोई हमें अल्लाह की बात करने से नहीं रोकता, फिर भी हम अल्लाह की बात नहीं करते। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आबाद बिन सईद अंबी के पनाह में मक्का के अंदर दाखिल हुए और पैगाम पहुंचाया। कुरैश ने पेशकश की कि बैतुल्लाह का तवाफ कर लें, मगर उन्होंने इस हालत में तवाफ करने से इनकार कर दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक रखा है। अगर लीडर को एक प्रिविलेज नहीं मिल रहा तो जो रिप्रेजेंटेटिव है वो भी प्रिविलेज नहीं ले रहा, क्यों? क्योंकि वो एक थे, चाहते तो तवाफ कर लेते, उनको एक कहा ठीक है तवाफ कर ले तो कहते कर ले, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जब आप तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया मैं भी नहीं करूंगा। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो अबान बिन, फिर कुरैश ने हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो को रोक लिया। गालबन वो चाहते थे कि बाहम मशवरा कर लें फिर जवाब समेत इन्हें रवाना करें, मगर इनकी ताखीर से मुसलमानों में अफवाह फैल गई कि उन्हें कत्ल कर दिया गया है। उन्होंने क्यों रोका था कि मशवरा कर लें फिर हम इन्हें भिजवाते हैं, लेकिन पीछे से अफवाह क्या फैलगी कि उन्हें कत्ल कर दिया गया है। चूंकि कासिद को कत्ल करने के मानी आलाने जंग हैं, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात सुनी तो फरमाया हम इस जगह से टल नहीं सकते यहां तक कि अब लोगों से मारका आराई ना कर लें। वो जो पहले एटीट्यूड था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम कुछ भी नहीं कहेंगे, अल्लाह के हदूद के अंदर वो बातें कहेंगे हम मान लेंगे, आप कह रहे हैं अब तो हम जंग करेंगे और हम यहाँ से नहीं जाएंगे। फिर आपने एक दरख्त के नीचे सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हुम को जंग पर बैत करने की दावत दी। सहाबा टूट पड़े और बड़ी गर्म जोशी के साथ मौत पर और मैदान से ना भागने पर बैत की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना एक हाथ दूसरे हाथ से पकड़ कर फरमाया ये उस्मान का हाथ है। लेकिन जब बैत मुकम्मल, इसे क्या कहते हैं बैत रिजवान, ये आगे आप इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे इसीलिए डिटेल्स आपको भी बताई जा रही हैं। लेकिन जब बैत मुकम्मल हो चुकी तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो भी आ गए। अल्लाह ने इस बैत की फजीलत में ये आयत नाजिल की अल्लाह मोमिनीन से राजी हुआ जब वो आपसे दरख्त के नीचे बैत कर रहे थे और ये यहीं से इसका नाम बैत रिजवान पड़ गया। ये थी तंबीह इस सूरत की जो हम शुरू करने वाले हैं। आइए अल्लाह की मदद मांगते हुए, अल्लाह की तौफीक मांगते हुए सूरह फतह का आगाज करते हैं। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान रहमत वाला है। बेशक हमने तुम्हारे लिए रोशन फतह का फैसला फरमा दिया ताकि अल्लाह तुम्हारे सदके तुम्हारे अपनों के अगले और पिछले गुनाह बख्श दे।
कौन सी फतह अल्लाह ताला ने फैसला फरमा दिया था? फतह मक्का जो होने वाली थी और इसके बाद मुसलमानों को गलबा मिलने वाला था, और अपना इनाम तुम पर तमाम कर दे और तुम्हें सीधी राह दिखा दे और अल्लाह तुम्हारी जबरदस्त मदद फरमाए। वही है जिसने ईमान वालों के दिलों में इत्मीनान उतारा ताकि इनके यकीन पर यकीन में इजाफा हो, और आसमानों और जमीन के तमाम लश्कर अल्लाह ही की मिल्क हैं और अल्लाह इल्म वाला हिकमत वाला है, ताकि वो ईमान वाले मर्दों और ईमान वाली औरतों को इन बागों में दाखिल फरमा दे जिनके नीचे नहरें बहती हैं, हमेशा इनमें रहेंगे, और ताकि अल्लाह इनकी बुराइयां इनसे मिटा दे, और ये कि अल्लाह के यहाँ बड़ी कामयाबी है, और ताकि वो मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों और मुशरिक मर्दों और मुशरिक औरतों को अजाब दे जो अल्लाह पर बुरा गुमान करते हैं। बड़ी बुरी गर्दिश इन्हीं पर है और अल्लाह ने उन पर गजब फरमाया, इन पर लानत की और इनके लिए जहन्नुम तैयार फरमाई, और वो क्या ही बुरा ठिकाना है। और आसमानों और जमीन के सब लश्कर अल्लाह ही की मलकियत में है और अल्लाह इज्जत वाला हिकमत वाला है। बेशक हमने तुम्हें गवाह और खुशखबरी देने वाला और डर सुनाने वाला बना कर भेजा। ये आयत पूरा कैरेक्टर बयान करती है एक रसूल का, उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अल्लाह के रसूलों में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे। बेशक हमने तुम्हें गवाही देते थे कि अल्लाह एक है, और खुशखबरी देने वाला और डर सुनाने वाला बनाकर भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे? शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरन, गवाही देने वाले, खुशखबरी सुनाने वाले, डर सुनाने वाले, ताकि ए लोगों तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ और रसूल की तअज़ीम तौकीर करो और सुबह और शाम अल्लाह की पाकी बयान करो। बेशक जो लोग तुम्हारी तुम्हारी बैत करते हैं, कौन सी बैत? बैत रिजवान, जो भी मैंने पहले बताया आपको। बेशक जो लोग तुम्हारी बैत करते हैं वो तो अल्लाह ही से बैत करते हैं, इनके हाथों पर अल्लाह का हाथ है, तो जिसने अहद तोड़ा तो अपनी जान के खिलाफ ही अहद तोड़ता है, और जिसने अल्लाह से किए हुए अहद को पूरा किया तो बहुत जल्द अल्लाह इसे अजीम सवाब देगा। पीछे रह जाने वाले देहाती अब तुमसे कहेंगे कि हमें हमारे माल और हमारे घरों वालों ने मशगूल रखा, तो अब आप हमारे लिए मगफरत की दुआ कर दें। वो अपनी जबानों से वो बात कहते हैं जो इनके दिलों में नहीं है। क्या चीज रोक लेती है? हमारे घर वाले, हमारे माल, हमारी औलाद। होगा तुम फरमाओ अगर अल्लाह तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे या वो तुम्हारी भलाई का इरादा फरमाए, तो अल्लाह के मुकाबले में कौन तुम्हारे लिए किसी चीज का इख्तियार रखता है? बल्कि अल्लाह तुम्हारे कामों से खबरदार है। बल्कि तुम तो ये समझे हुए हुए थे कि रसूल और मुसलमान हरगिज कभी अपने घरों की तरफ वापस ना आएंगे, और ये बात तुम्हारे दिलों में बड़ी खूबसूरत बना दी गई थी, और तुमने ये बहुत बुरा गुमान किया था, और तुम हलाक होने वाले लोग थे, और जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ना लाए तो बेशक हमने काफिरों के लिए भड़कती आग तैयार कर रखी है। अल्लाहुम्मा ला तजल्ला मिन्हु। आसमानों और जमीन की सल्तनत इसी के लिए है जिसके जिसकी चाहे मगफरत फरमाए और जिसे चाहे अजाब दे, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। जब तुम गनीमतें हासिल करने के लिए इनकी तरफ चलोगे तो पीछे रह जाने वाले कहेंगे हमें भी अपने पीछे आने दो। जब सुलह हुदैबिया और यहां पे जब निकलने के लिए कहा गया इसके लिए, तो उन्होंने कहा ये तो वापस आएंगे नहीं, मक्का वाले तो उन्हें वहीं पे मार देंगे, बड़ी जंग होगी, हम नहीं जा रहे। उसके बाद जब वो फतह हासिल करके वापस आ गए, जंग तो हुई नहीं, मुआहिदा हो गया, चुप करके वापस आ गए, उसके बाद गजवाए खैबर हुआ, तो तब उन्होंने कहा कि अब हम आपके साथ जाना चाहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अब नहीं जा सकते साथ, अल्लाह का हुक्म आ गया, अब नहीं, अब अल्लाह ने अलहदा कर दिया है, क्यों? हमें भी अपने पीछे आने दो। वो चाहते हैं कि अल्लाह का कलाम बदल दें। तुम फरमाओ हरगिज तुम्हारे पीछे ना आओ, अल्लाह ने पहले से इसी तरह फरमा दिया है, तो अब कहेंगे बल्कि तुम हमसे हसद करते हो। बल्कि वो मुनाफिक बहुत थोड़ी बात समझते हैं। पीछे रह जाने वाले देहातियों ने से फरमाओ अनकरीब तुम्हें एक सख्त लड़ाई वाली कौम की तरफ बुलाया जाएगा, तुम इनसे लड़ोगे या वो मुसलमान हो जाएंगे, फिर अगर तुम फरमाबरदारी करोगे तो अल्लाह तुम्हें अच्छा सवाब देगा, और अगर फिरोगे जिसे जैसे तुम इससे पहले फिर गए थे तो वो तुम्हें दर्दनाक अजाब देगा। अंधे पर कोई तंगी नहीं, और ना लंगड़े पर कोई मुजायका, और ना बीमार पर कोई हर्ज। जब ऐसी आयतें नाजिल होती थी तो जिन लोगों की जेन्युइन प्रॉब्लम, देखिए जेन्युइन प्रॉब्लम्स भी होती है, ये नहीं होता कि वाह ताला बार बार क्या तसल्ली देता है कि मुझे नियत पता है, डोंट वरी, अगर प्रॉब्लम है मैं एक्सेप्ट करूंगा, वरी किसको करना है,
जिसको कोई मसला नहीं था और वो घर में मजे से बैठा हुआ था। और जो अल्लाह और इसके रसूल का हुक्म माने तो अल्लाह इसे बागों में दाखिल फरमाएगा जिनके नीचे नहरें बहती हैं, और जो फिरे अल्लाह इसे दर्दनाक अजाब देगा। बेशक अल्लाह ईमान वालों से राजी हुआ जब वो दरख्त के नीचे तुम्हारी बैत कर रहे थे। कौन सी बैत हुई थी? बैत रिजवान। अल्लाह ताला उनसे राजी हो गया, तो अल्लाह को वो मालूम था जो इनके दिलों में था, तो इसने इन पर इत्मीनान उतारा और उन्हें जल्द आने वाली फतह का इनाम दिया। जब कॉम्प्रोमाइज हो गया था ना, जब बैत हो गई थी, जब मुआहिदा हो गया था, तो कुछ सहाबा ऐसे थे जो बड़े डिस्टर्ब हुए थे। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गिला भी किया था कि आपने क्यों कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, आप कहते हम उनसे जंग करते, हम उनके तहस नहस कर देते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अभी इसका वक्त नहीं आया। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि तमाम लोग उठ जाओ, अपने सर अहराम खोल दो, सर मुंडवा लो। और पहला एक ऐसा मौका था कि सहाबा कराम उनकी बात पे ना उठे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन हो गए। फिर आपके साथ आपकी बेगम थी जिन्होंने मशवरा दिया था कि आप जाएं अपना सर मुंडवा लें, आराम खोल दें। तो ये अभी जोश में थे ना, तो इनके दिल को थोड़ा गरां गुजरा है। तो फिर क्या हुआ कि जब उन्होंने अहराम खोल दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुंडवा लिया, तो तमाम लोगों तमाम सहाबा ने भी वो बात उनकी मान ली। यहाँ पे इसी का जिक्र है। फिर अल्लाह ताला ने क्या किया, उनके दिल को सुकून दे दिया, इट्स ओके, तुम लोगों की नीयत अल्लाह ने कबूल कर ली है। तो अल्लाह को वो मालूम था जिनके दिलों में था, तो इसने इन पर इत्मीनान उतारा और इन्हें जल्द आने वाली और बहुत सी गनीमतें जिन्हें वो लेंगे, और अल्लाह इज्जत वाला हिकमत वाला है, और अल्लाह ने तुमसे बहुत सी गनीमतों का वादा किया है जो तुम हासिल करोगे, तो तुम्हें ये जल्द अता फरमा दी और लोगों के हाथ तुमसे रोक दिए, और ताकि ईमान वालों के लिए निशानी हो और ताकि वो तुम्हें सीधा रास्ता दिखाए, और दूसरी गनीमतों का भी वादा फरमाया है जिन पर तुम्हें कुदरत नहीं, इन्हें अल्लाह ने घेर रखा है और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। और अगर काफिर तुमसे लड़ेंगे तो जरूर तुम्हारे मुकाबले से पीठ फेर देंगे, फिर वो कोई हिमायती और मददगार ना पाएंगे। अल्लाह का दस्तूर है जो पहले लोगों में गुजर चुका है, और तुम हरगिज अल्लाह के दस्तूर में तब्दीली ना पाओगे, और वही है जिसने वादी मक्का में काफिरों के हाथ तुमसे रोक दिए और तुम्हारे हाथ इनसे रोक दिए। यानी जंग नहीं हुई, इसका फैसला किसने किया? कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी विश से किया था? नहीं, ये अल्लाह था जिसने कहा कि कोई जंग नहीं होगी, तुम्हारे हाथ काफिरों से रोक दिए और उनके हाथ तुमसे रोक दिए, हालांकि अल्लाह ने तुम्हें इन पर काबू दे दिया था और अल्लाह तुम्हारे काम देखता था। अल्लाह ताला नियत देखता है। वही है, वही लोग हैं जिन्होंने कुफर किया और तुम्हें मस्जिद हराम से रोका और कुर्बानी के जानवरों को रोका, इस हाल में कि वो अपनी कुर्बानी की जगह पहुंचने से रुके हुए थे। और अगर मक्का में कुछ मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें ना होते जिनकी तुम्हें खबर नहीं, और ये बात ना होती कि तुम इन्हें रोंद डालोगे, फिर तुम्हें इनकी तरफ से ला इल्मी में कोई नापसंदीदा बात पहुंचेगी, तो हम तुम्हें कुफारे मक्का से जहाद की इजाजत दे देते। इनका ये बचाव इसलिए है कि अल्लाह अपनी रहमत में दाखिल करता है जिसे चाहता है। अगर मुसलमान वहीं से हट जाते तो हम जरूर को दर्दनाक अज़ाब देते। क्या कह रहे हैं कि मक्का में बहुत से ऐसे लोग जिनके दिल में ईमान था, तुम जाओगे तुम ला इल्मी में उनका कत्ल कर बैठते, और क्या होता, गुनाह का इर्तकाब हो जाता, क्योंकि उन्होंने शो नहीं किया हुआ था, उन्होंने दिल में छुपाया हुआ था। हमें क्या पता चलता है अल्लाह के हर काम में क्या होती है? मसलहत होती है। और एक मोमिन कुरान का मतलूब इंसान कैसा होता है? जो अल्लाह की रजा में राजी होता है। ए हबीब, याद करें जब काफिरों ने अपने दिलों में जमाना जहालियत की हर धर्मी जैसी जिद रखी, तो अल्लाह ने अपना इत्मीनान अपने रसूल और ईमान वालों पर उतारा और परहेजगारी का कलमा इन पर लाजिम फरमा दिया। एक मुसलमान और ईमान वाले पे क्या जरूरी है? परहेजगारी का कलमा। कलमा क्या होता है? जो बार बार रिपीट किया जाए, यानी वो बार बार अपने आप को रिमाइंड कराता रहेगा कि उसे परहेजगार रहना है। और मुसलमान इस कलमे का ज्यादा हकदार है और इसके अहल थे, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला है। बेशक अल्लाह ने अपने रसूल का सच्चा ख्वाब सच कर दिखाया। अगर अल्लाह चाहे तो तुम जरूर मस्जिद हराम में अमनो अमान से दाखिल होगे, कुछ अपने सरों के बाल मुंडवाते हुए और कुछ बाल तरशवाते हुए, तुम्हें किसी का डर ना होगा। तो अल्लाह को वो मालूम है जो तुम्हें मालूम नहीं, तो इसने मक्का में दाखिले से पहले एक नजदीक आने वाली फतह रखी है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ताला हम सबको हज और उमरे के लिए लेके जाए और हम वहां जाके बेहतरीन तरीके से उसके रिचुअल्स अदा कर सकें। वही अल्लाह है जिसने अपने रसूल को हिदायत और सच्चे दीन के साथ भेजा ताकि इसे सब दीनों पर गालिब कर दे, और अल्लाह काफी गवाह है।
मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, और इनके साथ वाले काफिरों पर सख्त आपस में नरम दिल हैं, तो इन्हें रकू करते हुए सजदा करते हुए देखेगा। सहाबियात कैसे थे, अगली आयत में बताया जा रहा है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और इनके साथ वाले कौन थे, सहाबा कराम, काफिरों पर सख्त। काफिरों पर कैसे होते हैं, सख्त, और आपस में नरम दिल होते हैं, यानी वो आपस में मुसलमानों पे सख्ती नहीं करते, वो काफिरों के साथ सख्ती करते हैं लेकिन एक दूसरे को माफ कर देते हैं, एक दूसरे की दरगुजर करते हैं। तू उन्हें रुकू करते हुए सजदे करते हुए देखेगा, यानी वो अल्लाह की इबादत में मशगूल होते हैं, नमाज पढ़ते हैं, नफल पढ़ते हैं, अल्लाह का फजल और रजा चाहते हैं। चाहते क्या है, दुनिया नहीं, अल्लाह का फजल और रजा चाहते हैं। इनकी इलामत इनके चेहरों में सजदे के निशान से है। अल्लाह अकबर, इतने सजदे करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी पेशानियों को सजदों के निशानों से सजा देता है। ये इनकी सिफत तौरात में मरकूज है और इनकी सिफत इंजील में मरकूज है, और यही सिफत तौरात और इंजील दोनों में भी बताई गई है। इनकी सिफत ऐसे है जैसे एक खेती हो जिसने अपनी बारीक सी कोंपल निकाली, फिर इसे ताकत दी, फिर वो मोटी हो गई, फिर अपने तने पर सीधी खड़ी हो गई, किसानों को अच्छी लगती है। अल्लाह ने मुसलमानों की ये शान इसलिए बढ़ाई ताकि इससे काफिरों के दिल जलाए। अल्लाह ने इनमें से ईमान वालों और अच्छे काम करने वालों से बख्शिश और बड़े सवाब का वादा फरमाया है। पीछे एक सूरत में हमने डिटेल में पढ़ा था कैसे अल्लाह ताला दिल की मिट्टी को नरम करता है, उसमें ईमान का बीज डालता है, हिदायत का पानी पड़ता है, और कैसे वो फिर हिदायत चलते 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 विद टाइम विद इस्तकामत एक तनावर दरख्त बन जाता है। सेम वही उसी तरह की एग्जाम्पल अल्लाह सुभान व तआला ने यहाँ दी है। आगे है सूरह हुजरात, बड़ी प्यारी सी, ये भी एक मक्की सूरत है। इसमें किरदार साजी की गई है, आपको बहुत से कैरेक्टरिस्टिक्स बताए जाएंगे कि एक मुसलमान माशरा कैसा होना चाहिए और एक मुसलमान माशरे में रहने वाले लोग कैसे होने चाहिए। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत वाला है। ए ईमान वालों, अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। ईमान वालों, अपनी आवाजें नबी की आवाज पर ऊंची ना करो और इनके हजूर ज्यादा बुलंद आवाज से कोई बात ना कहो, जैसे एक दूसरे के सामने बुलंद आवाज से बात करते हो कि कहीं तुम्हारे अमाल बर्बाद ना हो जाएं और तुम्हें खबर ना हो। बेशक जो लोग अल्लाह के रसूल के पास अपनी आवाजें नीची रखते हैं, यही वो लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने परहेजगारी के लिए परख लिया है, इनके लिए बख्शिश और बड़ा सवाब है। बेशक जो लोग आपको हुजरों के बाहर से पुकारते हैं, इनमें अक्सर बेअकल हैं। बारगाहे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ऐसी आवाज बुलंद करना मना है जो आपकी ताजीम और तौकीर के बरखिलाफ और बेअदबी के जुमरे में दाखिल है, और अगर इससे बेअदबी और तौहीन की नीयत हो तो ये कुफर है। जिनके दिलों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल ताजीम है, वो दिल अल्लाह ताला की तरफ से तकवा के लिए मुंतखब किए गए होते हैं। बनू तमीम के चंद लोग दोपहर के वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे। इन लोगों ने हुजरों के बाहर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारना शुरू कर दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ ले आए। इन लोगों के बारे में ये आयत नाजिल हुई और फरमाया गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस तरह पुकारना जहालत और बेअकली है। ए ईमान वालों, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लाए तो तहकीक कर लो। ईमान वाले क्या करते हैं, खबर को ऐसे टक टक करके व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर देते हैं? नहीं, वो तहकीक करते हैं, वो चेक। ए ईमान वालों, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लाए तो तहकीक कर लो कि कहीं किसी कौम को अनजाने में तकलीफ ना दे बैठो फिर अपने किए पर शर्मिंदा होने, और जान लो कि तुम में अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमा है। अगर बहुत से मामलात में वो तुम्हारी बात माने तो जरूर मुशक्कत में पड़ जाओगे, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें ईमान महबूब बना दिया है और इसे तुम्हारे दिलों में रास्ता कर दिया है, और कुफर और हुक्म अदूली और नाफरमानी तुम्हें नागरवार कर दी है। ऐसे ही लोग रुश्त और हिदायत वाले हैं, अल्लाह का फजल और एहसान है, और अल्लाह इल्म वाला हिकमत वाला है। और अगर मुसलमानों के दो गिरोह आपस में लड़ पड़े तो तुम इनमें से सुलह करा दो। जंगो जिदाल गुनाह है। मुसलमानों में सुलह कराना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आला दर्जे की इबादात है। अलबत्ता इनमें वही सुलह करवाना जायज़ है जो शरीयत के दायरे में हो, जबकि ऐसी सुलह जो हराम को हलाल
और हलाल को हराम कर दे वो नाजायज है। फिर अगर इनमें से एक दूसरे पर ज्यादती करे तो इस ज्यादती करने वाले से लड़ो यहां तक कि वो अल्लाह के हुक्म की तरफ पलट आए, फिर अगर वो पलट आए तो इंसाफ के साथ इनमें सुलह करा दो और अदल करो, बेशक अल्लाह अदल करने वालों से मोहब्बत करता है। अगर फिर भी एक बंदा ज्यादती पे खड़ा है तो जो मजलूम है उसके साथ खड़े हो जाओ, ये ना कहो कि हाँ वो पावरफुल है मैं तो तुम्हारी साई नहीं ले सकता, खड़े हो जाओ। फिर अगर वो आ जाए रविश पे सही पे, फिर आपस में सुलह करा दो। सिर्फ मुसलमान भाई भाई हैं तो अपने दो भाइयों में सुलह करा दो और अल्लाह से डरो ताकि तुम पर रहमत हो। ए ईमान वालों, मर्द दूसरे मर्दों पर ना हंसे, हो सकता है कि वो इन हंसने वालों से बेहतर हों, और ना औरतें दूसरी औरतों पर हंसें, हो सकता है कि वो इन हंसने वालियों से बेहतर हों, और आपस में किसी को ताना ना दो। एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाना, क्या पता जिसका मैं मजाक उड़ा रही हूँ, जो मुझे स्टूपिड लग रही है, जो मुझे कम इल्म वाली लग रही है, वो इतनी अल्लाह के करीब हो। मैं जिसकी शक्ल का अगर किसी का मजाक उड़ाती हूँ, मैं किसी की शक्ल का मजाक उड़ा सकती हूँ? शक्ल कौन बनाता है? मैं किसी के कद का मजाक उड़ा सकती हूँ? कौन बनाता है? मैं किसी की उठान का मजाक उड़ा सकती? नहीं, अल्लाह ताला ने हर बंदे को डिफरेंट बॉडी फ्रेम्स दिए हैं, और अगर मैं इसमें से किसी का भी मजाक उड़ाती हूँ तो मैं बहुत सख्त गुनाहगार हूँ। एक हमें बहुत अच्छा सा रूल बताया गया है, अल्लाह ताला ने बहुत सी आजमाइशें बहुत से लोगों के लिए रखी होती है, मत मजाक उड़ाया करें, ना किसी के पतले होने का, ना किसी के मोटे होने का, ना किसी के काले होने का, ना किसी के गोरे होने का, ये हमारे इख्तियार में नहीं है। और दूसरी बात, ताने नहीं देने, ताने कभी किसी को नहीं देने, अल्लाह ताला ने सख्ती से मना किया है। और एक दूसरे के बुरे नाम ना रखो, किसने हमें मना किया बुरे नाम रखने से? अल्लाह ताला ने। तो अब अगर किसी को कहते थे तो अब ऐसी बातें नहीं करनी। मुसलमान होने के बाद फासिक कहलाना क्या ही बुरा नाम है। फासिक कौन होता है? एक होता है मुनाफिक, जो अल्लाह ताला की बातें मान रहा होता है लेकिन सामने से वो प्रिटेंड करता है कि मैं नेक हूं लेकिन अंदर अंदर से काट रहा होता है। एक होता है फासिक, जो मानता भी नहीं है और अलल ऐलान बुराइयों का ऐलान करता है। ए ईमान वालों, बहुत ज्यादा गुमान करने से बचो, बेशक कोई गुमान गुनाह हो जाता है। जब बहुत ज्यादा किसी बारे में सोचते रहते हैं तो आप जो चीजें नहीं भी होती आपको लगता है वो हो रही है, और फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? गुनाह, क्योंकि आप भी नेगेटिव और रॉन्ग एटीट्यूड में चले जाते हैं। और पोशीदा बातों की जुस्तजू ना करो, अगर कोई बात कोई नहीं बता रहा तो उसकी जुस्तजू ना करो। एक दूसरे की गीबत ना करो, क्या तुम में कोई पसंद करेगा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? क्या पसंद करोगे अपने मरे भाई का गोश्त खाना? करोगे? क्या हमें से कोई पसंद करेगा अपने मरे भाई का गोश्त खाना? तो गीबत तो हमारी फेवरेट काम है, हम तो बैठे गॉसिप कर रहे होते हैं। जब दिल करे ना तो पता है क्या कहना है कि मरे भाई का गोश्त मेरे सामने पड़ा हुआ है। तो गीबत नहीं करनी। क्या तुम पसंद करोगे कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? क्या तुम्हें कोई पसंद करेगा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? तो ये तुम्हें नापसंद होगा, और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह बहुत तौबा कबूल करने वाला है। ये सेट ऑफ रूल्स हैं जो अल्लाह ताला ने बताया है कि जो कुरान का मतलूब इंसान होगा वो ये चीजें नहीं करेगा। ए लोगों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हें कौमें और कबीले बनाया ताकि तुम आपस में पहचान रखो। अल्लाह ताला ने डिफरेंट कलर्स के लोग बनाए, डिफरेंट नेशंस के लोग बनाए, क्यों? ताकि एक दूसरे में एक दूसरे की पहचान रखो। ए लोगों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हें कौमों और कबीले बनाया कि तुम आपस में पहचान रखो, बेशक अल्लाह के यहाँ तुम्हें ज्यादा इज्जत वाला वो है जो तुम में से ज्यादा परहेजगार है। बड़ा दिल करता है ना इज्जत कमाने का, इज्जतदार बनने का। अल्लाह के यहाँ सबसे ज्यादा इज्जत वाला कौन है? जिसका सबसे ज्यादा पैसे है, अकाउंट है, 20 मरले का घर है, बड़ी बड़ी गाड़ी है, लंबोर्गिनी है। अल्लाह के हाँ सबसे ज्यादा कौन अच्छा है? जो सबसे ज्यादा परहेजगार है, जो गुनाह नहीं करता, जो अच्छे काम करता है, जो क्लास में डिस्टर्ब नहीं करता, जो चुप चुप के बातें नहीं करता, जो जोर जोर से हंसता नहीं है। अल्लाह के हाँ तुमसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा परहेजगार है, बेशक अल्लाह जानने वाला खबरदार है। देहातियों ने कहा, हम ईमान ले आए, तुम फरमाओ तुम ईमान तो नहीं लाए। हाँ यूं कहो, हम फरमा बरदार हुए। इतनी बड़ी सीख है इस आयत में कि मैं क्या कहूँ। जब एक बंदा
मुसलमान हो जाता है और कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, क्या वो ईमान ले आता है या वो फर्मा बरदार हो जाता है? मुसलमान का मतलब क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए बताया जा रहा है कि अगर तुम ईमान तुमने कलमा पढ़ लिया है तो ईमान नहीं आया तुम्हारे अंदर, फॉर ईमान यू हैव टू आस्क अल्लाह, यू हैव टू वर्क फॉर इट। तुम ये कह सकते हो कि मैं फर्मा बरदार हुआ हूँ, मैं मुसलमान हुआ हूँ, लेकिन आज हम फर्मा बरदार नहीं होते, आज हम मुसलमान नहीं होते। हम कहते हैं हमारे अंदर बहुत ईमान है। बहुत फर्क है एक मुसलमान होने में और एक ईमान वाला होने में। तुम ईमान तो नहीं लाए, हाँ यूं कहो कि हम फर्मा बरदार हुए और अभी ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ, और अगर तुम अल्लाह और इसके रसूल की फर्मा बरदारी करोगे तो तुम्हारे अमाल से कुछ कमी नहीं करेगा, और बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। ईमान वाले तो वही है। अब बताया गया है कि सिर्फ कलमा पढ़ना काफी नहीं है, कलमा पढ़ना मेक्स यू फर्मा बरदार बिकॉज यू बिकम अ मुस्लिम। अब बताया जा रहा है कि ईमान कैसे मिलेगा। ईमान वाले तो वही हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए, फिर इन्होंने शक ना किया और अपनी जान और माल से अल्लाह की राह में जहाद किया, वही सच्चे हैं। अगर हम ये सारे काम नहीं कर रहे तो हम सिर्फ मुसलमान हैं, फरमाबरदार हैं, ईमान हमारे अंदर नहीं है। तुम फरमाओ क्या तुम अल्लाह को अपना दीन बताते हो, हालांकि अल्लाह जानता है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, सब अल्लाह सब कुछ जानता है। ए महबूब, वो तुम पर एहसान जताते हैं कि वो मुसलमान हो गए। आज भी करते हैं बहुत से लोग कि हम मुसलमान हो गए, मुसलमान हूं ना, कलमा पढ़ लिया, अब क्या करूं, ठीक है अल्लाह ताला माफ कर देगा, अल्लाह ताला ऐसे ही जन्नत में ले जाएगा। तो क्या कहा जा रहा है, ए महबूब वो तुम पर एहसान जताते हैं कि वो मुसलमान हो गए, तुम फरमाओ अपने इस्लाम का एहसान मुझ पर ना रखो, बल्कि अल्लाह तुम पर एहसान रखता है कि इसने तुम्हें इस्लाम की हिदायत दी, अगर तुम सच्चे हो। बेशक अल्लाह आसमान और जमीन के सब गैब जानता है और अल्लाह तुम्हारे काम देख रहा है। जैसे जैसे आगे जाते जा रहे हैं ऐसे लगता है अल्लाह ताला तमाम गुथियां सुलझाता जा रहा है और एक बहुत क्लियर रोक, बहुत क्लियर मैप हमारे सामने आ गया है कि अगर सिर्फ तुम कलमा पढ़ते हो तो मुसलमान हो, ईमान वाले तो नहीं हो, मोमिन नहीं हो। और जब तक मैंने ये कुरान नहीं पढ़ा था तो मुझे ऐसे ही लगता था कि मैं तो सबसे बड़ी मोमिना हूँ, लेकिन जैसे जैसे पता चला कि अगर ईमान वाली बनना है तो करेक्टरिस्टिक्स मुझे अपने अंदर डालने पड़ेंगे। आगे है सूरह कौफ, बहुत प्यारी सूरत है। अल्लाह से शुरू जो नहायत मेहरबान रहमत वाला है। कौफ, इज्जत वाले कुरान की कसम, बल्कि इन्हें इस बात पर ताजुब हुआ कि इन्हीं इनके पास इन्हीं में से एक डर सुनाने वाला तशरीफ लाया तो काफिर कहने लगे ये तो अजीब बात है, क्या जब हम मर जाएंगे और मिट्टी हो जाएंगे तो इसके बाद फिर जिंदा किए जाएंगे, ये पलटना दूर है। हम जानते हैं जो कुछ जमीन इनसे घटाती है और हमारे पास एक याद रखने वाली किताब है, बल्कि उन्होंने हक झुटलाया, जब उनके पास आया तो वो एक ऐसी बात में है जिसे करार नहीं, तो क्या उन्होंने अपने ऊपर आसमान को ना देखा, हमने इसे कैसे बनाया और सजाया और इसमें कहीं कोई शिगाफ नहीं, और जमीन को हमने फैलाया और इसमें मजबूत पहाड़ डाले और इनमें हर बार रौनक जोड़ा उगाया, हर रुजू करने वाले बंदे के लिए बसीरत और नसीहत है। किसके लिए बसीरत और नसीहत है? रुजू करने वाले के लिए, कनेक्ट करने वाले के लिए। और हमने आसमान से बरकत वाला पानी उतारा तो इससे बागात और कांटा जाने वाला अनाज उगाया और खजूर के लंबे दरख्त उगाए जिनके गुच्छे ऊपर नीचे तह लगे हुए हैं, बंदों की रोजी के लिए, और हमने इसमें से मुर्दा शहर को जिंदा किया, यूं ही कब्रों से तुम्हारा निकलना होगा। इन कुफारे मक्का से पहले नूह की कौम और रस नामी कुएं वालों ने और समूद ने चुटलाया, और आद और फिरौन और लूत के हम कौम लोगों ने और जंगल वालों और तबा की कौम ने और इन सब ने रसूलों को झुटलाया तो मेरे अजाब का वादा साबित हो गया। तो क्या हम पहली बार बनाने की वजह से थक गए, बल्कि वो नई पैदाइश के मुतल्लिक शुभे में हैं। और बेशक हमने आदमी को पैदा किया और हम जानते हैं जो वसवसा इसका नफ्स डालता है। हमें कौन वसवसा डालता है? हमारा नफ्स डालता है। और हम दिल की रग से भी ज्यादा इसके करीब हैं। जो अल्लाह हमारे इतने करीब है, क्या हमारे वो दिलों की बात नहीं जानता? और हमें क्या बता रहा है अल्लाह ताला, कौन हमारे दिल में वसवसे डालता है? हमारा अपना नफ्स। जब इससे लेने वाले दो फरिश्ते लेते हैं, एक दाई जानिब और दूसरा बाई जानिब बैठा हुआ है, वह जबान से कोई बात नहीं निकालता मगर ये कि एक मुहाफिज फरिश्ता इसके पास तैयार बैठा होता है। अल्लाह
अगर हमें ये याद रहे ना, हम लिपते ना करें, हम जिनके इतने सगे बनते हैं ना, सोचें उस दिन हमारी सारी बात उनके सामने आ जाएंगे, हम क्या मुंह दिखाएंगे। हम तुम्हारे बारे में इतना नेगेटिव सोचते थे, हम इतनी गलत बात करते थे, हम तुम्हारे बारे में इतने गलत चीजों के हमारी जहन में आती थी। तो अल्लाह से डर जाए। और मौत की सख्ती हक के साथ आ गई, ये वो है जिससे तू भागता है। गैस की स्मेल नहीं आ रही, जरा देखें किचन में गैस तो नहीं खुली हुई प्लीज। और सूर में फूंक मारी जाएगी, ये अजाब की वईद का दिन है, और हर जान यूं हाजिर होगी कि इसके साथ एक हांकने वाला एक गवाह होगा। बेशक तू इससे गफलत में था तो हमने तुझसे तेरा पर्दा उठा दिया, तो आज तेरी निगाह तेज है। और इसका साथी फरिश्ता कहेगा, ये है जो मेरे पास तैयार मौजूद है। हुक्म होगा तुम दोनों हर बुरे नाशुकरे हर धर्म को जहन्नुम में डाल दो। जो भलाई से बहुत रोकने वाला, हद से बढ़ने वाला, शक करने वाला है, जिसने अल्लाह के साथ कोई और माबूद ठहराया, तुम दोनों इसे सख्त अजाब में डाल दो। इसका साथी शैतान कहेगा, ए हमारे रब, मैंने इसे सरकश नहीं बनाया, हाँ ये खुद ही दूर की गुमराही में था। अल्लाह फरमाएगा, मेरे पास ना झगड़ो में पहले ही तुम्हारी तरफ अजाब के वईद भेज चुका था। मेरे यहाँ बात बदलती नहीं और ना मैं बंदों पे जुल्म करने वाला हूँ। जिस दिन हम जहन्नुम से फरमाएंगे, क्या तू भर गई, वो अर्ज करेगी, क्या कुछ और ज्यादा है, और जन्नत परहेजगारों के करीब लाई जाएगी, इनसे दूर ना होगी। कहा जाएगा, ये है वो जन्नत जिसका तुमसे वादा किया जाता रहा, हर रुजू करने वाले हिफाजत करने वाले के लिए। किसके लिए जन्नत? रुजू करने वाले और अपनी हिफाजत करने वाले के लिए, जो रहमान से बिन देखे डरा और रुजू करने वाले दिल के साथ आया। इनसे फरमाया जाएगा, सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ, ये हमेशा रहने का दिन है। इनके लिए जन्नत में वो तमाम चीजें होंगी जो वो चाहेंगे, और हमारे पास इससे भी ज्यादा। और इनसे पहले हमने कितनी कौमों को हलाक फरमा दिया, गिरफ्त में इनसे ज्यादा सख्त थी, और उन्होंने शहरों में कोशिश की कि क्या कोई भागने की जगह है। बेशक इसमें नसीहत है इनके लिए जो दिल रखता हो या कान लगाए और वो मुतवज्जो हो। जितनी चीजें आप पढ़े हैं सिर्फ उसकी समझ में आ रही है जो तवज्जो से सुन रहा है। जो क्लास में बैठा सो रहा है, जिसका दिमाग शरारतों पे लगा हुआ है, उसकी समझ में कोई बात नहीं आ रही। और बेशक हमने आसमानों और जमीन को जो कुछ इसके दरमियान है 6 दिन में बनाया, और हमें कोई थकावट ना हुई। तो इनकी बातों पर सब्र करो, और सूरज तुलू होने से पहले और गुरूब होने से पहले अपनी रब की तारीफ करते रहो, इसकी पाकी बयान करो, और रात के कुछ हिस्से में इसकी तस्बीह करो, और नमाजों के बाद, और कान लगाकर सुनो जिस दिन एक करीब की जगह से पुकारने वाला पुकारेगा, जिस दिन लोग हक के साथ एक चीख सुनेंगे। ये कब्रों से बाहर आने का दिन होगा। बेशक हम जिंदगी देते हैं और हम मौत देते हैं, और हमारी तलफ ही फिलना है। जिस दिन जमीन इन पर से फट जाएगी तो वो जल्दी करते हुए निकलेंगे। ये हशर हम पे आसान है, हम खूब जान रहे हैं जो वो कह रहे हैं, और तुम इन पर जबर करने वाले नहीं हो। तो इस शख्स को कुरान से नसीहत करो जो मेरी धमकी से डरे। अल्लाह ने कहा है जरूर नसीहत करो, लेकिन क्या उनको सुना सकोगे जो सुनना ही नहीं चाहते और जो देखना ही नहीं चाहते? नहीं, सिर्फ उसको सुनाना है जो सुनना चाहे। आगे है सूरह ज़ारियात, अल्लाह के नाम से शुरू, जो निहायत मेहरबान वाला है। बिखेर कर उड़ा देने वालियों की कसम। किसकी बात हो रही है? हवाओं की बात हो रही है। बिखेर के उड़ा देने वालियों की कसम, फिर बोझ उठाने वालियों की, फिर आसानी से चलने वालियों की, फिर हुक्म को तकसीम करने वालियों की। हुक्म क्या? बारिश। बारिश को तकसीम करने वालियों की। बेशक जिसकी तुम्हें वईद सुनाई जा रही है वो जरूर सच है, और बेशक बदला दिया जाना जरूरी वाकई होने वाला है। रास्तों वाले आसमान की कसम, तुम तरह तरह की बात में हो। झूठे अंदाजे लगाने वाले मारे जाएं जो नशे में भूले हुए हैं। किसके नशे में? दुनिया के नशे में, अपने तकब्बुर के नशे में, अपनी जवानी के नशे में भूले हुए हैं। पूछते हैं कि बदले का दिन कब होगा, ये इस दिन वाकया होगा जिस दिन वो आग पर तपाए जाएंगे।
और फरमाया जाएगा अपना अजाब चखो, ये वही अजाब है जिसकी तुम जल्दी में चाहते थे, बेशक परहेजगार लोग बागों और चश्मों में होंगे अपने रब की अताएं लेते हुए, बेशक वो इससे पहले नेकियां करने वाले थे वो रात में कम सोया करते थे और रात के आखिरी पहरों में बख्शिश मांगते थे। रात का आखिरी हिस्सा मगफरत तरफ करने और दुआ के लिए बहुत मौजू है। आज जो हम स्पेसिफिक रातों या स्पेसिफिक दिनों की तलाश करते हैं ना, आपको पता है अल्लाह ताला ने हर रात का आखिरी हिस्सा ऐसा बनाया है कि अगर आप उससे बख्शिश मांगेंगे अल्लाह आपको माफ कर देगा। आपको किसी स्पेसिफिक मंथ की जरूरत नहीं है, आपको किसी स्पेसिफिक दिन की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ महीने ऐसे हैं जिसमें अल्लाह की बरकत ज्यादा हो जाती है, सेल लग जाती है बरकतों की, नेमतों की, मगफरत की, उसमें ज्यादा मिलता है। लेकिन जिस दिन चाहो तौबा करो अल्लाह कबूल करेगा। हदीस पाक में है, हमारा रब ताला हर रात इस वक्त दुनिया के आसमान की तरफ नजूल फरमाता है जब रात का तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है, और फरमाता है कोई ऐसा है जो मुझसे दुआ करे ताकि मैं इसकी दुआ को कबूल करूं। जो कहते हैं दुआएं कबूल नहीं होती, रात के आखिरी पहर जागे, अल्लाह से दुआ करें और पूरी उम्मीद रखें कबूल होगी, क्योंकि अल्लाह खुद कह रहा है कोई ऐसा है जो मुझसे दुआ करे कि मैं इसकी दुआ को कबूल करूं, कोई ऐसा है जो मुझसे सवाल करे ताकि मैं इसे अता करूं। बच्चियों के रिश्ते नहीं हो रहे, बच्चों की जॉब्स नहीं है, डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, अल्लाह से मांगे अल्लाह अता करेगा, क्योंकि वो खुद कह रहा है कोई ऐसा है जिसको मैं अता करूं, कोई ऐसा है जो मुझसे माफी चाहे ताकि मैं इसे बख्श। कितना रहमान है अल्लाह सुभान व तआला, उसने हमें इतनी अपॉर्चुनिटी दी है, कोई नहीं देता। दुनिया में कोई बंदा देख लें, कोई निजाम देख लें, कोई इंस्टीट्यूट देख लें, सबके रूल्स होते हैं। अल्लाह तआला तो हर रोज हमें कह रहा है एक दफा मेरी तरफ आओ मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। और इनके मालों में मांगने वाले और महरूम का हक होता है। जो माल दिया है अगर अल्लाह ने ज्यादा दे दिया तो क्या सब कुछ अपने ऊपर खर्च करते हैं? नहीं, वो कौन होते हैं? कुरान के मतलूब इंसान जो महरूम का हक रखता है। और जमीन में यकीन वालों के लिए निशानियां हैं और खुद तुम्हारी जातों में, तो क्या तुम नहीं देखते हमारी जात, हमारी पर्सनैलिटी, हमारे हाथ पांव कान, हम खुद अगर देखें तो अल्लाह की निशानी ही निशानी है। और आसमान में तुम्हारा रिस्क है और वो जिसका तुमसे वादा किया जाता है, तो आसमान और जमीन के रब की कसम बेशक ये हक है वैसी ही जुबान में जो तुम बोलते हो। कुरान अरबी में क्यों नाजिल किया गया? क्योंकि मक्का वालों की जुबान अरबी थी। ए हबीब, क्या तुम्हारे पास इब्राहिम के मौजिज मेहमानों की खबर आई? कौन से मेहमान? दो फरिश्ते जो कौमे लूत की तरफ जा रहे थे जब वो मेहमान बन के आए, उसकी तरफ इशारा है। जब वो इसके पास आए तो कहा सलाम, इब्राहिम ने फरमाया सलाम अजनबी लोग। फिर इब्राहिम अपने घर वालों की तरफ गए तो एक मोटा ताजा बछड़ा ले आया तो अपने दिल में इनसे खौफ महसूस किया। फरिश्तों ने अर्ज किया आप ना डरे, और उन्होंने इसे एक इल्म वाले लड़के की खुशखबरी सुनाई। तो इब्राहिम की बीवी चिल्लाती हुई आई, फिर अपने चेहरे पर हाथ मारा और कहा क्या बूढ़ी बांझ औरत बच्चा जनेगी? फरिश्तों ने कहा तुम्हारे रब ने यूं ही फरमाया है, बेशक वो ही हिकमत वाला इल्म वाला है। हम अभी रुकेंगे नहीं, हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। आगे पारा नंबर 27 स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है कौला फमा खतबुकुम। इब्राहिम ने फरमाया तो ए भेजे हुए फरिश्तों फिर तुम्हारा क्या मकसद है? उन्होंने कहा बेशक हम एक मुजरिम कौम की तरफ भेजे गए हैं ताकि इन पर गारे के पत्थर बरसाएं जिन पर तुम्हारे रब के पास हद से बढ़ने वालों के लिए निशान लगाए हुए हैं। तो हमने इस शहर में मौजूद ईमान वालों को निकाल लिया। याद रखिएगा हमेशा हर बस्ती से ईमान वाले जब निकल जाते हैं या उस बस्ती में एक ईमान वाला भी नहीं रहता तब उस जगह पे अजाब आता है। अगर एक ईमान वाला भी होगा तो वहां पे अजाब नहीं आएगा। तो हमने वहां एक ही घर मुसलमान पाया। कितनी कैसी कौम थी? सिर्फ हजरत लूत जो थे ना, उनका जो घर था ना, वो मुसलमान। बाकी तमाम सोचे कितनी गंदी करप्शन फैल गई होगी और उनके लिए कितना मुश्किल था वहां सर्वाइव करना। और हमने इसमें से इन लोगों के लिए निशानी बाकी रखी जो दर्दनाक अजाब से डरते हैं। और मूसा में भी निशानी है जब हमने इसे रोशन सनत के साथ फिरौन की तरफ भेजा और वो फिरौन अपने लश्कर समेत फिर गया और बोला मूसा तो जादूगर है या दीवाना। और हमने फिरौन और इसके लश्कर को पकड़कर दरिया में डाल दिया इस हाल में कि वो खुद को मलामत कर रहा था। और कौमे आद में भी निशानी है जब हमने इस पर खुश कांदी भेजी वो जिस चीज पर गुजरती थी इसे गली हुई चीज की तरह कर छोड़ती थी। और समूद में निशानी जब इनसे फरमाया गया इस वक्त तक फायदा उठा लो तो उन्होंने अपने रब के हुक्म में सरकशी की तो इनकी आंखों के सामने इन्हें कड़कने आ लिया।
तो वो ना खड़े हो सके और ना वो बदला ले सके। और इनसे पहले कौम नूह को हलाक फरमाया, बेशक वो फासिक लोग थे। फासिक कौन होते हैं? जो गुनाह करते हैं और फिर अल ऐलान उसका ऐलान भी करते हैं। और आसमान को हमने अपनी कुदरत से बनाया और बेशक हम वसत और कुदरत वाले हैं। और जमीन को हमने फर्श बनाया तो हम क्या ही अच्छा बिछाने वाले हैं। और हमने हर चीज को दो किस्में बनाया ताकि तुम नसीहत हासिल करो और अल्लाह की तरफ भागो। बेशक मैं इसकी तरफ से तुम्हारे लिए खुल्लम खुल्ला डर सुनाने वाला हूँ। अल्लाह के साथ कोई दूसरा माबूद ना ठहराओ। बेशक मैं इसकी तरफ से तुम्हारे लिए खुल्लम खुल्ला डर सुनाने वाला हूँ। यूं ही जब इनसे पहले लोगों के पास कोई रसूल तशरीफ लाया तो वो यही बोले कि ये जादूगर है या दीवाना है। क्या इन्होंने एक दूसरे को इस बात की वसीयत की थी? बल्कि वो सरकश लोग हैं। तो ए हबीब, तुम उनसे मुंह फेर लो तो तुम पर कोई मलामत नहीं, और समझाओ कि समझाना ईमान वालों को फायदा देता है। और समझाओ कि समझाना किसको फायदा देता है? तो जो सुनना नहीं चाहता, क्या उसको समझाओ? अगर आप जितना मर्जी उसको समझाओ, उसको फायदा होगा? हमेशा याद रखें, किसी भी बच्चे को या किसी भी बड़े को तब बात समझाएं जब वो उस मूड में हो, कि उसको समझ आए। हर वक्त हर बात समझ नहीं आ रही थी। जब कोई बड़ा या कोई बच्चा खुद आपके पास आए और आपसे बातें करना चाहे, वो वक्त होता है कि उनको समझाया जाए और उनको सुनाया जाए। उसके अलावा जितने टाइम भी आप सुनाते जाएंगे, उन्हें कोई असर नहीं होगा, वो सुन सुन के सुनी होते जाएंगे। और मैंने जिन और आदमी इसलिए बनाया कि मेरी इबादत करें। किस लिए बनाया अल्लाह ताला ने जिन और इंसान? अल्लाह की इबादत के लिए। मैं इनसे कुछ रिस्क नहीं मांगता और ना ये चाहता हूँ कि वो मुझे खाना दें। बेशक अल्लाह ही बड़ा रिस्क देने वाला, कुवत वाला, कुदरत वाला है। तो बेशक इन जालिमों के लिए अजाब का एक हिस्सा है जिसे इनके साथियों के अजाब का हिस्सा है। तो ये मुझसे अजाब मांगने में जल्दी ना करें। तो काफिरों के लिए इनके इस दिन से खराबी है जिसकी इन्हें वईद सुनाई जाती है। सूरह तूर मक्की सूरत है। सरसब्ज पहाड़ को इब्रानी में कहते हैं। तूर कयामत जरूर आएगी, इसकी इस बारे में हमें बताया गया है। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान रहमत वाला है। तूर की कसम और लिखी हुई किताब की जो खुले हुए सफहात में से है। और बैते मामूर की, बैते मामूर कहाँ है, क्या चीज है? बैते मामूर सातवें आसमान में काबा शरीफ के बिल्कुल ऊपर एक ऐसी जगह है। ये इस आसमान वालों का किबला है, जैसे खाना काबा है ना, इसके एग्जैक्ट ऊपर आसमान वालों का किबला है, जहां पे हर रोज 70,000 नए फरिश्ते तवाफ करते हैं। और कहते हैं वहां पे जो एक दफा तवाफ कर लेता है उसकी फिर पूरी जिंदगी बारी नहीं। इतने फरिश्ते खाना काबा के ऊपर भी तवाफ कर रहे हैं। और बैते मामूर की और बुलंद छत की और सुलगाए जाने वाले समंदर की, बेशक तेरे रब का अजाब जरूर वाक होने वाला है, इसे कोई टालने वाला नहीं। जिसे आसमान सख्ती से हिलेगा और पहाड़ तेजी से चलेंगे। तो इस दिन झुटलाने वालों की खराबी है, वो जो शुगल में पड़े खेल रहे हैं। अल्लाह, आज तमाम उम्मत मुस्लिमा भी शुगल में पड़ी है, खेल तमाशों में गुम है। कोई पता नहीं है कि फलस्तीन में कितने बच्चे मर रहे हैं, भूख से बिलख रहे हैं। एक बच्ची की मैंने वीडियो देखी और मेरी रूह कांप गई, उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई, शहीद हो गए वो। तो वो रो रही है और वो कह रही है मुझे सब कुछ बहुत याद आता है, मुझे मेरी माँ मेरा बाप याद आता है और मुझे सफेद रोटी वाइट ब्रेड बहुत याद आता है। भूख का आलम चेक करें कि वो कितने कर्ब से गुजर रहे हैं। खुदा के लिए मैं कहती हूँ अल्लाह ताला गैब से उनकी मदद फरमाए, जागे। तमाम वो चीजें जो इसराइली कंपनीज उनका बायकॉट करें, पीएसओ लाहौर है, कोई बंदा उसका टिकट ना ले, कोई बंदा मैच ना देखे, कम से कम जो हाथ में है वो तो करें। हम कहते हैं क्या होगा, बहुत कुछ होगा। कल को ये तो कहेंगे ना अल्लाह के हुजूर, अल्लाह ताला हम तो बुरा जानते थे, अगर बुरा नहीं जानेंगे तो उन्हीं के साथ हम खड़े होंगे। तो प्लीज उनको सपोर्ट करें। जिस दिन इन्हें जहन्नुम की तरफ सख्ती से धकेला जाएगा, ये वो आग है जिसे तुम झुटलाते थे, तो क्या ये जादू है या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? इसमें दाखिल हो जाओ तो अब चाहे सब्र करो या ना करो, सब तुम पर बराबर है। तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हें सब्र करना ही पड़ेगा। नहीं भी करोगे तब भी इससे नहीं निकलोगे। तुम्हें इसी का बदला दिया जा रहा है जो तुम करते थे। उस दिन अगर हम जहन्नुम में गए ना, अल्लाह ना करे, तो हम ये नहीं कह सकेंगे अल्लाह ताला हमारे साथ क्या हुआ है, हमें उसी का बदला दिया जाएगा जो हम कर रहे हैं आज। बेशक परहेजगार बागों नेमतों में होंगे, अपने रब की अताओं पर खुश हो रहे होंगे, और इन्हें इनके रब ने आग के अजाब से बचा लिया। अपने अमाल के बदले खुशगवार नेमतें खाओ।
बदला दिया जा रहा है किस चीज का, अमाल का, जो सब्र करते थे, जो अल्लाह की राह में निकलते थे, जो पैदल आते थे दिन को, रात को, सुबह को, शाम को, अल्लाह बेहतरीन बदला देगा। अपने अमाल के बदले में खुशगवार नेमतें खाओ और पियो। वो कतार दर कतार बिछे हुए तख्तों पर तकिए लगाए हुए होंगे और हमने बड़ी आंखों वाली हूरों से इनका निकाह कर दिया। और जो लोग ईमान लाए और इसकी वजह और इनकी जिस औलाद ने ईमान के साथ इनकी पैरवी की तो हमने इनकी औलाद को इनके साथ मिला दिया। एक पूरा जन्नती घराने की पिक्चर खींची गई है कि वो ईमान लाए और उनके बच्चे भी ईमान पे थे तो अल्लाह ताला वहां पे मिला देंगे। और कहते हैं जन्नत के जिस पोर्शन में आप चले जाओगे ना, फिर आप उसे नीचे नहीं देखोगे, फिर आप उससे अप ही जाओगे। अगर हमारा घर वाला कोई जन्नतुल फिरदौस में है और वो कहेगा कि मेरे फलाने जो हैं वो माँ बाप या मेरे फलाने लोग कहाँ पे हैं, तो फरिश्ते कहेंगे कि हम आपको उनसे मिला देते हैं। उनको मिलाने के लिए फरिश्ते उनको नीचे लेवल से ऊपर लाएंगे, क्योंकि ऊपर वाला तो नीचे लेवल पे नहीं जाएगा। और फिर जब वो ऊपर आ जाएंगे तो फिर वो भी दोबारा कभी नीचे नहीं जाएंगे, क्योंकि जन्नत का जो हिस्सा एक आंख देख लेती है वो कभी उससे महरूम नहीं की जाती। इसीलिए कोशिश करें नेकियों में आगे बढ़े एक दूसरे से, और एक दूसरे को कहें कि जब जन्नत में जाओगे मुझे भी आला लेवल पे बुला लेना। और आप सब से मेरी रिक्वेस्ट है, अल्लाह ताला के आप सब करीब है इसीलिए आप लोग यहाँ पे हैं, जब जन्नत में जाएंगे ना तो जरूर मेरे बारे में भी पूछिएगा, और खुदा ना खासा मैं लो लेवल में हुई तो मुझे बुला लीजिएगा। सेम अप्लाइज फॉर मी, मैं भी आप सबको याद करूंगी और मैं कहूंगी वो कहाँ पे है ज़ैनब, वो कहाँ पे है हादिया, वो कहाँ पे इकरा, सबको हम बुलाएंगे तो हम एक दूसरे को इनशाला तमाम ऊंचे लेवलों पर लेके जाएंगे इनशाला। और जो लोग ईमान लाए और इसकी जिस औलाद ने ईमान के साथ इनकी पैरवी की, देखिए ईमान बहुत जरूरी है, अगर औलाद ना फरमान है तो आप कुछ नहीं कर सकेंगे। अपने बच्चों के ईमानियात पे काम करें। ईमान के साथ इनकी पैरवी की तो हमने इनकी औलाद को इनके साथ मिला दिया और इन वालिदैन के अमल में कुछ कमी नहीं की, कमी भी नहीं की, और उनके साथ अल्लाह ताला मिला देगा। हर आदमी अपने अमाल में गिरवी है, अल्लाह अकबर, हमने आपको अपने आप को गिरवी रखा हुआ है, और कैसे छुड़वाएंगे अपने आप को, अपने आमाल देके। और फलों, मेवों और गोश्त जो वो चाहेंगे इनके साथ हम इनकी मदद की। जन्नती लोग जन्नत में ऐसे जाम एक दूसरे से लेंगे जिसमें ना कोई बेहूदगी होगी और ना गुनाह की बात, और इनकी खिदमतगार लड़के इनके गिर्द फेरेंगे गोया वो छुपा कर रखे हुए मोती हों, और आपस में सवाल करते हुए एक दूसरे की तरफ मुतवज्जो होंगे, कहेंगे बेशक हमने इससे पहले अपने घर वालों में डरने वाले थे, बेशक हम इससे पहले अपने घर वालों में डरने वाले थे तो अल्लाह ने हम पर एहसान किया कि हमें जहन्नुम की सख्त गर्म हवा के अजाब से बचा लिया। बेशक हम इससे पहले दुनिया में अल्लाह की इबादत करते थे, बेशक वही एहसान फरमाने वाला मेहरबान है। जो अल्लाह की शुक्रगुजारी दुनिया में करता है वो जन्नत में भी जाके अल्लाह का एहसान और अल्लाह का शुक्रगुजार ही रहेगा। तो ऐ महबूब तुम नसीहत फरमाओ तो तुम अपने रब के फजल से ना काहिन हो और ना ही मजनू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि आप काहिन और मजनू नहीं है, जो लोग आपको कहते हैं आप वो नहीं है बल्कि काफिर कहते हैं ये शायर हैं, हम इन पर गर्दिश जमाने का इंतजार कर रहे हैं। तुम फरमाओ तुम इंतजार करते रहो, बेशक मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करने वालों में से हूँ। क्या इनकी अकलें इन्हें यही हुक्म देती हैं, बल्कि वो सरकश लोग हैं, बल्कि वो कहते हैं कि इस नबी ने ये कुरान खुद ही बना लिया, बल्कि वो ईमान नहीं लाते। अगर ये सच्चे हैं तो एक जैसी एक बात तो ले आए। पीछे अल्लाह ताला क्या कहता है, फातु भी सूरत मिसलिही, इस जैसी एक सूरत ही ले आओ। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं इस जैसी एक बात ही ले आओ, क्या वो किसी चीज शय के बगैर ही पैदा कर दिए गए, या वो खुद ही अपने खालिक हैं, या आसमान और जमीन उन्होंने पैदा किए हैं बल्कि वो यकीन नहीं रखते, या इनके पास तुम्हारे रब के खजाने हैं, या वो बड़े हाकिम हैं, या इनके पास कोई सीढ़ी है जिसमें चढ़कर वो सुन लेते हैं। अगर ऐसा है तो इनके इस तरह सुनने वाले के कोई रोशन दलील लानी चाहिए। क्या अल्लाह के लिए बेटियां और तुम्हारे लिए बेटे हैं? नाउज़ बिल्लाह कहते हैं फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, तो कह रहे हैं अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए बेटे हैं और मेरे लिए बेटियां हैं, या तुम इनसे कुछ उजरत मांगते हो कि जिससे वो तावान के बोझ में दबे हुए हैं, या इनके पास गैब है वो इसके जरिए फैसला रखते हैं,
या वो किसी फरेब का इरादा कर रहे हैं तो काफिर खुद ही अपने फरेब का शिकार होने वाले हैं, या अल्लाह के सिवा इनका कोई और खुदा है, अल्लाह इनके शिर्क से पाक है, और अगर वो आसमान से कोई टुकड़ा गिरता हुआ देखेंगे तो कहेंगे ये तह दर तह बादल है, तो तुम इन्हें छोड़ दो यहाँ तक कि वो अपने इस दिन से मिले जिसमें वो बेहोश कर दिए जाएंगे, जिस दिन इनका कोई फरेब इन्हें कुछ काम ना देगा और ना इनकी मदद होगी, और बेशक जालिमों के लिए इससे पहले एक अजाब है मगर इनमें से अक्सर लोग नहीं जानते। और ए महबूब, दाये दीन के सुकून के बायस है, अगली सूरत के आयत है, पढ़ें और दिल में सुकून ले आए, और ए महबूब तुम अपने रब के हुक्म पर ठहरे रहो, और बेशक तुम हमारी निगाहों हिफाजत में हो, और अपने कयाम के वक्त अपने रब की तारीफ करते हुए पाकी बयान करो, और रात के कुछ हिस्से में इसकी पाकी बयान करो, और तारों के जाने के बाद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स दो ठंडी नमाजें फजर और असर पढ़ेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यकीनन तुम लोग अपने रब को ऐसे देखोगे जिस तरह चांद को देख रहे हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह हम सबको अल्लाह का दीदार नसीब करे, आमीन। देख रहे हो, तुम्हें इसको देखने में कोई धक्कमपेल या परेशानी ना होगी, बस अगर तुम ताकत रखते हो कि सूरज तलू होने से पहले और गुरूब होने से पहले नमाजों में सुस्ती ना करो तो ऐसा करो। अल्हम्दुलिल्लाह वमा तौफीकी इल्ला बिल्ला, आज को जो हमारा हिस्सा था हमने मुकम्मल किया। अब मेरी रिक्वेस्ट होगी तमाम लोग अपनी शेयरिंग्स देंगे, लेकिन बहुत लंबी शेयरिंग्स नहीं देनी, सबका ख्याल रखना है और जल्दी जल्दी शेयरिंग देगी मेरे साथ बैठने वाली दोस्त। हमें सिर्फ अल्लाह का भरोसा रखना चाहिए और उम्मीद भी अल्लाह ताला से होनी चाहिए। बिल्कुल जी मेरा बच्चा, रहना चाहिए और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। माशाल्लाह बहुत प्यारी बात। हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे माल बर्बाद हो, अच्छे काम करने। वेरी गुड, ये की पॉइंट है, कोई ऐसा काम नहीं करना कि अच्छे काम करने के बाद वो हमारे माल जाया हो जाए। जी बेटा, हमें रियाकारी से बचना चाहिए। जी बिल्कुल, हमें रियाकारी से भी बचना चाहिए क्योंकि रियाकारी करने से अमाल बर्बाद हो जाते हैं। जी जनाब, बेशक। जी बेटा, हमें अपने माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए, हमें उनकी खिदमत करनी चाहिए, हमें उनको खुश रखना चाहिए। माशाल्लाह जी बेटे, हमें जितनी भी नमाज में सुस्ती नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, वो तो दौड़ दौड़ के पढ़नी है। जी 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 बेटे, लिखी तय करने की सुनते में बताइए, वो बिल्कुल भी नहीं करनी है। बिल्कुल, और जो नेकी जाया करने की सूरतें हमने आज पढ़ी, हमने बड़ा केयरफुल रहना है। अगर हम नेकियां करते रहे और जाया करते रहे तो हम अपनी तरफ से तो हम बड़े नेक बन के जाएंगे, लेकिन आगे हमारे पास कुछ नहीं होगा, हमारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह ताला हमें बचाए। जी, दो लोग आपस में लड़ रहे, फोन से सुलह करा रहे हैं, अगर ये जाली में तो उसके और साथ खड़े हैं और उसकी शक्ल कर रहे हैं। बहुत प्यारी बात। जी, जो मान लाए वो जन्नत में जाएंगे और जो अमल सालेह करेंगे उनके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। जी, कुरान पाक में हमें अल्लाह ताला ने हर चीज बता दी है, लेकिन कुरान के साथ साथ हमें आदेश से मदद लेनी चाहिए, उसका तरीका वहाँ बताया। बिल्कुल बेहतरीन, अल्लाह से तौफीक मांगनी चाहिए। मेरा दिल बदल गया, एक कलम पढ़ इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, माशाल्लाह। जी, कलमा पढ़ने से हम लोग सबरदार्श बन सकते हैं, लेकिन हम लोग ईमान वाले नहीं बन सकते। ईमान वाले बने के ही हमें अमल खाने का। वेरी गुड पॉइंट। हमें बेजा गुमान नहीं रखना चाहिए, जो अल्लाह ताला ने अपने पास रखा है उसकी टो में नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल जी बेटा, मैं अपने साथ ठीक तरीके से पेश आना चाहिए और लोगों के साथ। अब तो कल तुमने स्ट्रिक्ट पेश आना और शरारतें नहीं करनी। जी जना, बिल्कुल ऐसी बात है, बिल्कुल सही बात, बेहतरीन बात। जी, बच्चों के साथ प्यार से और हर वक्त नसीहतें नहीं करनी, कभी कभी करनी है किसी किसी टाइम। जी जनाब, वेरी गुड। जी जनाब, अगर आपको एक आयत भी मिले तो उसको अपने आस पास लोगों में फैलाएं, और अगर आप चाहते हैं कि आप इस ये आयत आगे पहुंचाने से आप इस पर जम सकते हैं और आपको सीखने को और ज्यादा मौका मिलेगा
और फिर अल्लाह ताला आपको साबित कर देंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी। ऑनलाइन पे हमारे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी। जो आपका हमने सबक पढ़ा इसमें जो सीखा इसमें सबसे पहली बात तो ये कि अगर कभी भी हमारे दिल में कोई तकब्बुर आए तो हमें ये सोचना चाहिए कि यानी अल्लाह हमें देख रहा है और हमने अपने अमाल का जवाब दे होना है। और अगर हम कोई और ये भी हमें सोचना चाहिए कि जो कुछ भी दिया हुआ ये अल्लाह ताला का, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है। और अगर हम एक आयत भी अगर हम सीखें जरूरी नहीं है कि हम आलिम बनने तक इंतजार करते रहें, हमें चाहिए कि हम कोशिश करें कि उसको आगे तक पहुंचाएं। और इसके अलावा के जो चीजों का इस्तेमाल है वो हम उनको खुद अच्छा या बुरा बना सकते हैं। जैसे अब मोबाइल ही है, यानी उससे हम अच्छा काम भी ले सकते हैं बुरा भी ले सकते हैं। तो इसलिए हमें चीजों को बुरा नहीं कहना बल्कि उनके इस्तेमाल को देखना है। और एक और बात के हमें सिर्फ उम्र से बड़ा नहीं बनना बल्कि दिल से बनना है, अमल से बनने की कोशिश करनी है। माशाल्लाह ब्यूटीफुल शेयरिंग जी। सईदा साहिबा, मैं मेहमान को सुनाए बगैर उसकी इज्जत करनी चाहिए, शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत प्यारा नहीं भाई, जो पढ़ा है वो आप पेश कर दें और मेहमान को चाहिए वो कबूल कर ले। बहुत खूबसूरत पॉइंट जी। सुमेरा काशिफ साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इसमें ये कि अदल करने वालों से अल्लाह ताला मोहब्बत करता है, इस वजह से हमने अदल करना है, एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाना और ताना जनी नहीं करनी। ईमान के लिए अमल जरूरी है और रात का आखिरी हिस्सा में अपनी मगफरत की तलाश करनी है। बिल्कुल, जब कुछ नजर ना आए, जब कोई मददगार ना हो, रात के आखिरी हिस्से में जाके और सब कुछ अल्लाह से मांग रहे, वो सब कुछ देगा, दीन भी देगा, दुनिया भी देगा, आखिरत भी देगा, बख्शिश भी देगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज के जो लेसन है उससे हमने एक लर्निंग जरूर सीखनी चाहिए कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाकी सब सहाबा ने कहा कि हम लोग हक पर हैं और हम जंग क्यों नहीं करते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी अल्लाह ताला का हुक्म नहीं है। तो अल्लाह के हर फैसले में मसलियत होती है, जिसके बाद हमने देखा कि जब मक्का फतह हुआ तो बहुत से ऐसे मुशरिक जो इस्लाम के बहुत बड़े दुश्मन थे, अबू सुफियान भी जिनमें शामिल है, वो इस्लाम पर वो इस्लाम ले आए। तो ये होता है कि जब हम किसी को नेकी की हदायत दें या किसी को दीन की तरफ बुलाएं तो उसकी जो है दिल बदलने का इंतज़ार करें, क्योंकि ये हदायत तो अल्लाह ने देनी है और दिल भी अल्लाह ने बदलना है। तो इसलिए हमें इंतज़ार करना चाहिए कि, और किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि अगर ये इतने को बुलाने के बावजूद भी नहीं बदल रहा तो इसको छोड़ दें, क्योंकि किसी भी वक्त वो इंसान पलट कर अल्लाह का इतने करीब हो जाता है कि हमसे भी ज्यादा करीब हो सकता है। और हमें इस बात का शुक्र अदा करना चाहिए कि कुछ लोगों की कुछ चीज़ों की तकसीम अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखी है, जिनमें रंग है, जिनमें दौलत है। अगर सब इंसानी अमीर होते और सभी वाइट और खूबसूरत हो जाते तो हम इंसान रिश्ते कैसे करते, अपने काम कैसे निभाते। तो ये अल्लाह ताला ने रंगों में, माल में जो तकसीम रखी है, इसकी मसलियत सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है और हमारी कम अकल इस चीज़ तक नहीं पहुँच सकती। तो हमें इस चीज़ पर शुक्र अदा करना चाहिए, जैसे भी हमें अल्लाह ताला ने बनाया, अपने हाथों से बनाया है, और उस चीज़ पर राजी रहना चाहिए। माशाल्लाह ब्यूटीफुल शेयरिंग जी। तबस्सुम नाज साहिबा अपनी शेयरिंग दे दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ऐसा काम नहीं करना जिससे अल्लाह नाराज हो, हर हाल में अल्लाह के अहकामात पर अमल पैरा होना है। बिल्कुल बेहतरीन बात जी। कुदसिया नवाज साहिबा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। हम सबको इस रमजान के महीने में ना एक दूसरे के लिए बहुत दुआएं करनी है और अल्लाह ताला हमें जन्नत के आला दर्जों में जगह दे, तो एक दूसरे को अपनी दुआओं में याद रखें। ये बहुत प्यारी इन्होंने बात की है कि रमजान का महीना चल रहा है, हम सब ने अपने लिए तो हम दुआएं करते हैं लेकिन एक दूसरे के लिए दुआ करनी है। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे के मुसलमान, एक दूसरे का भाई भाई है, और भाई कभी दूसरे भाई को भूल सकता है? नहीं। तो सबके लिए दुआ करें, सबको दुआओं में याद रखें। आपके लिए खुद से आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही। उम्मत के इत्तेहाद के लिए मैंने कहा खसूसन जी, उम्मत के इत्तेहाद के लिए भी बहुत दुआ करनी है और फलस्तीन के मुसलमानों के लिए बहुत दुआ करें। एक
लोगों को, तमाम मुसलमान कंट्रीज को ये हिम्मत दे कि वो फलस्तीन के साथ खड़ी हो जाए। और हम कुछ नहीं कर सकते, कम से कम उनके लिए दुआ कर सकते हैं और उन चीजों का बायकॉट कर सकते हैं जिससे वो पैसे कमाते हैं। आइए दुआ के लिए हाथ उठाते हैं। एक अनाउंसमेंट मैं करना चाहूंगी, पहले कि इंशाल्लाह इस संडे को हमारी खत्मे कुरान की दुआ होगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, अल्लाह की तौफीक से इस संडे को खत्मे कुरान की दुआ होगी। मेरी आप तमाम ऑनलाइन ऑन साइट वालों से रिक्वेस्ट है कि खुद भी आए, अपने प्यारों को भी दुआ का हिस्सा बनाएं। और दुआ के टाइमिंग्स होंगे 10 to 12, 10 बजे शुरू होगा जो हमारे पारे का थोड़ा सा हिस्सा रहता होगा, उससे मुकम्मल करेंगे, फिर हम दुआ करेंगे। जरूर कोशिश करेंगे जितने मेरे ऑनलाइन वाले प्यारे प्यारे दोस्त बहने हैं वो सब इस दुआ का हिस्सा बने, ताकि क्या पता कि महफिल में कोई ऐसा बनता हो जिसकी आमीन से हम सब की दुआएं कबूल हो जाएं। तो इंशाल्लाह संडे वाले दिन हमारी एक सी पार्टी होगी कि बड़ी खुशी का समा होगा कि अल्लाह की तौफीक से हम कम से कम एक दफा पूरे कुरान से गो थ्रू कर लेंगे इंशाल्लाह। आप आइए दुआ करते हैं। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا الله يا غفور الرحيم يا أرحم الراحمين تو کتنا ہم پہ مہربان ہے کہ تو نے ہمیں توفیق دی کہ ہم تیری محفل میں آئے, تیرا قرآن کھولیں, تیرے احکامات کو پڑھیں. یا اللہ ہم سب کا یہاں پہ آنا بیٹھنا, آن لائن پہ آنا اور اس تیرے کلام کو سننا اور تیرے احکام کو جاننا, اس کوشش کو قبول اور مقبول فرمانا. یا اللہ ان سب کا پڑھنا اور میرا پڑھانا قبول فرمانا. یا اللہ ڈیورنگ سیشن کوئی ہم سے غلطیاں ہوگی, یا اللہ اس پہ ہماری پکڑ نہ کرنا. یا اللہ ہماری نیتوں کو ہمیشہ اپنے لیے خالص رکھنا. یا اللہ ہمارے دل میں کبھی ریاکاری, کبھی شہرت, کبھی گھمنڈ, کبھی غرور, کبھی تکبر, کبھی بھی اپنی خوش نمائی جیسی کوئی ایسے جذبات جنم نہ لے. یا اللہ ہماری نیت ہمیشہ تجھے راضی کرنے کی ہو جائے. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جانا. یا اللہ تو ہم سب کو بخش دینا. یا اللہ بخشش کا یہ مہینہ چل رہا ہے, یا اللہ ہم سب تجھ سے بخشش کی دعا کرتے ہیں, ہم سب کو بخش دینا. یا اللہ تو کہتا ہے کہ جو بندہ تیری طرف پلٹ کے آتا ہے تو گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, ان کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. یا اللہ ہم سب توبہ کرتے ہیں, ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے. یا اللہ ہمیں بخش دے. یا اللہ ہمیں دین پہ استقامت دے دے. یا اللہ ہم سب کو داعی دین بنانا. یا اللہ ہمارے آنے والی نسلوں کو دین پہ استقامت دینا. یا اللہ ہر گھر میں, ہر گھر بہترین قرآن پڑھنے والا, سمجھنے والا, ایک دوسرے سے قرآن کی ہی باتیں کرنے والا بن جائے. یا اللہ یہ دنیا کتنی خوبصورت ہو جائے کہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں. یا اللہ ہمارے دل میں اپنے بھائیوں کا, اپنی بہنوں کی نیک جذبات رکھنا. یا اللہ ہمارے دل میں کسی کے لیے حسد, غیبت, عداوت, بغض, کوئی ایسے جذبات نہ آئے. یا اللہ ہمیں گمان سے بچانا. یا اللہ ہمیں شیطان کے قدموں سے بچانا. یا اللہ ہمیں بے حیائی سے بچانا. یا اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر کرنا. یا اللہ مرتے ہوئے ہمیں کلمہ شہادت نصیب کرنا. یا اللہ ہمیں عزت والے باپردہ طریقے سے ہمیں دنیا سے لے جانا. یا اللہ یا غفور الرحیم, تمام عزت تیرے لیے ہے, تو ہی عزت والا ہے, تو ہی عزت دینے والا ہے. یا اللہ حقیقی کامیاب وہ ہوگا جو اس دن کامیاب ہوگا. ہم سب کو فوز العظیم, اس دن کی بڑی کامیابی ہم سب کے حصے میں لکھ دینا. یا اللہ جتنے بچے, اتنے پیارے پیارے بچے, اتنی پیاری بچیاں تیرے سامنے آ کے بیٹھتی ہیں, یا اللہ ان سب کی خواہشات پوری کرنا. یا اللہ ان سب کے نصیب اچھے کرنا. یا اللہ ان کو بہترین طریقے سے رزق عطا کرنا. یا اللہ جن کے بچے, جن کے گھر والے دین سے دور ہو گئے ہیں, یا اللہ ان کو راہ راست پہ لے آنا. یا اللہ بے شک ایمان دینے والا, ہدایت دینے والا تو ہی ہے. یا اللہ ہمیں صرف مسلمان نہ رکھنا, ہمیں ایمان والا بنا دینا, ہمیں ہدایت والا بنا دینا, ہمیں مسلمان سے مومن اور مومن سے عباد الرحمان بنا دینا. یا اللہ ہماری تمام کوششیں تجھے راضی کرنے کے لیے ہیں, ہماری کوششوں کو قبول کرنا. یا اللہ یا غفور الرحیم, جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا کرنا. یا اللہ سہرباجی کی پوتی کو صحت کاملہ عطا فرمانا. یا اللہ اس بچی پہ اپنا بے تحاشا رحم فرمانا. یا اللہ جن کی اولاد بیمار ہے ان سب کو صحت کاملہ عطا فرمانا. یا اللہ ہمیں اپنے مال اور اولاد سے نازوانا. یا اللہ ہمارے لیے آسانیاں کرنا. یا اللہ جو لوگ حج اور عمرے کے لیے تیاری کر رہے ہیں انہیں ان کا حج اور عمرے کا بہترین وسیلہ بنانا. یا اللہ یا غفور الرحیم,
आंटी रुखसाना को भी सेहत कामला अता करना और उनको बेहतरीन अजर देना कि इतनी तबीयत की खराबी के बावजूद भी इस महफिल में आई और इतनी देर तक बैठी रही। या अल्लाह जो जो मुश्किल से बैठा रहा, इतने लोगों को मैं देखती हूँ इतनी मुश्किल से बेचारे बैठे होते हैं लेकिन सिर्फ तेरी मोहब्बत के लिए बैठे होते हैं, उन सबको बेहतरीन अजर देना। एक एक दर्द जो वो तेरे लिए बर्दाश्त कर रहे हैं, इतनी देर बैठे हुए, किसी की कमर दुख रही है, किसी से बैठने नहीं हो रहा लेकिन बैठा हुआ है, या अल्लाह सबको बेहतरीन अजर देना। या अल्लाह तू खुद कहता है तेरी राह में जो एक कदम चलता है तू तो फौरन उसको थाम लेता है, या अल्लाह हमारी कोशिशों को कबूल फरमाना। या अल्लाह जो दुआएं मांगी हैं वो भी कबूल फरमाना, जो ना मांग सके उनको भी कबूल फरमाना। आमीन या रब्बुल आलमीन। اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. امين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاك الله خيرا.